तो कहानी की शुरुआत में हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कार और बाइक की टक्कर होते होते रह जाती है। तो उस कार में तो हमारी इस कहानी का हीरो हैंडसम प्लेबॉय करण, वहीं बाइक पे थी हमारी इस कहानी की अगली हीरोइन दाव, जिसने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था। तो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम लगाने लग जाते हैं कि गलती उसकी थी। इवन करण उसके मास्क को देखकर उसे चोर बुलाता है। दाव को दो चार बातें सुनाने के बाद जाने लगता है, पर दाव उसे रोकने जाती है। पर उस चक्कर में वो गिरने वाली होती है, पर करण उसे पकड़ लेता है एंड वो गिरने से बच जाती है। देन अगेन दोनों में अनबन होने लग जाती है। तभी करण को उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से उस विलेज के प्लांटेशन वाली लैंड को खरीदने के लिए कहते हैं एंड वो जमीन थी दाव के डैड की। तो प्लांटेशन का नाम सुनते ही दाव समझ जाती कि ये उसी कंपनी से आया है जो उनके जमीन को हथियाना चाहते हैं। तो दाव के डैड ने उसे अच्छी तरह से पहले ही बता दिया था कि अगर उस कंपनी से कोई भी आता है तो वो उसकी अच्छी तरह से बैंड बजा दे। तो करण को प्लांटेशन का रास्ता पता नहीं था, इसलिए दाव से कहती कि उसे प्लांटेशन का रास्ता पता है और वो उसे प्लांटेशन तक ले भी जाती है, जहां वो प्लांटेशन के मालिक को बुलाने के बहाने से अंदर जाती है। और तभी एक लड़का उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है, जो कि दाव ने ही करवाया होता है। एंड देन उसके कपड़े उतरवा कर उसे रास्ते में फेंकवा देती है एंड वो घर आकर अपने पापा को इस बारे में बताती है और दोनों उसके हालत के बारे में सोचकर एंजॉय करते हैं। और इधर हमारा नंगू पंगू हीरो करण राइस्ट्रो से अपने आप को ढक कर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड शाओ आता है उसे ढूंढता हुआ और उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि करण का सारा सामान आसपास की जगह पे उसे मिल गया था और सब कुछ सही सलामत था, जिसका मतलब है कि वो लड़की तुझे लूटने के इरादे से नहीं आई थी। तो करण उसे बताता है कि उस लड़की को जरूर उस प्लांटेशन के मालिक नवरात ने भेजा था। तो शाओ उसे जमीन को भूल जाने के लिए कहता है। तो करण कहता है, तू मेरे डैड को तो जानता है, वो कितने जिद्दी हैं, उन्हें जो चीज चाहिए वो उसे हासिल करके रहते हैं। इसलिए करण डिसाइड करता है कि वो उस जमीन को किसी भी तरह हासिल करके रहेगा, पर इसके लिए उसे सैंग नवारात की वीकनेस को ढूंढना होगा। इधर हमें पता चलता है कि दाव की एक छोटी बहन है जिसका नाम है जान, जो कि बैंकॉक में रहती है, जिस वजह से उसके डैड उससे बहुत नाराज रहते हैं। तो जान घर वापस आई थी उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, क्योंकि उसे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था। तो करण के डैड उस पे नाराज होते हैं जमीन को हासिल ना करने की वजह से। तो करण उन्हें समझाता है कि वो जमीन को किसी भी तरह से हासिल कर लेगा। तो करण की एक बहन है जिसका हस्बैंड था शान, और दोनों ही अव्वल दर्जे के काम चोर हैं, बस बड़ी बड़ी बातें फेंकना जानते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि करण का एक बेटा है जिसका नाम है ओर्का। तो करण और उसकी वाइफ सेपरेट हो चुके थे, ओर्का की कस्टडी थी करण के पास। बात करें ओर्का की, तो ये दिखने में तो बहुत ही क्यूट एंड भोला भाला लगता है, पर लड़कियों से फ्लर्ट करने में अपने बाप से कुछ कम नहीं है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इधर जान वापस बैंकॉक जा रही थी, पर जाते हुए भी डैड के साथ उसका झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद उसके अंकल सानू के साथ भी उसकी अनबन होने लगती है। और दावा कर सिचुएशन संभालती है और जान गुस्से से गाड़ी लेकर चली जाती है। इधर रोज अपने डैड को आइडिया देती है कि उस जमीन को हथियाने के लिए उन्हें सैंग नवारात को गुंडों से डराना होगा। तभी करण आकर उनसे कहता है कि ऐसा कुछ भी करना नहीं होगा, वो उस जमीन को अपने तरीके से हासिल कर लेगा। ये सुनकर सैन होशियारी मारने आता है, पर करण डैड को उन दोनों के पैसों के घफले के बारे में बता देता है। पर करण के वहाँ से जाने के बाद डैड उन दोनों से कहते हैं कि अगर उन दोनों ने गुंडे भिजवा कर ही सही उस जमीन को अगर हथिया लिया तो वो उनके पैसों के घफले को माफ कर देंगे। इधर दाव को पता चलता है कि उसकी बहन जान जिस कंपनी में इंटरव्यू देने वाली थी वो कंपनी थी थाना कुंस की एंड यही लोग पड़े थे उसके जमीन के पीछे। इधर दो गुंडे पहुंच जाते हैं प्लांटेशन में और दाव के डैड मिस्टर सैंग को डराने के लिए वो लोग गन निकाल के हवा में फायर करते हैं, पर इसकी वजह से मिस्टर सैंग को हार्ट अटैक आ जाता है। इधर करण को पता चल जाता है कि सैंग नवारात की बेटी उसके कंपनी में इंटरव्यू के लिए आ रही है। इधर ऑफिस के बाहर दाव जान को रोकने की कोशिश करती है कि वो कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए ना जाए, पर जान को तो उस सब के बारे में कुछ पता नहीं था। ऊपर से दाव को हॉस्पिटल से कॉल आता है, इसी बीच जान ऑफिस के अंदर चली जाती है। इधर हमारा करण जान को फंसाने के लिए उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। तो करण का यही प्लान था कि वो जान को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और उसके जरिए वो जमीन को हथिया लेगा, इसलिए वो उसे बिना इंटरव्यू के ही जॉब में रख लेता है। इधर हॉस्पिटल में दाव को सब कुछ पता चलता है, जहाँ उसके डैड उसे बताते हैं कि वो मरने से पहले अपनी जायदाद दोनों बहनों में बांट देना चाहते हैं, इसलिए दाव बैंकॉक के लिए निकलती है जान को सब कुछ बताने के लिए। इधर करण एक ही दिन में जान को अपने प्यार में फंसा लेता है, इवन वो उसे किस भी करता है। तो दाव जान को सारा मामला समझाती है और उसे ये भी बताती है कि उनके डैड ने उस जमीन को जान के नाम पे लिख दिया है, इसलिए अगर थानाकुन वालों को इस बारे में पता चल गया तो वो जान को अप्रोच करेंगे, इसलिए वो जान को जॉब से रिजाइन करने के लिए कहती है, जिसके लिए जान मान जाती है। इधर हमारे सेकंड लीड शाओ के पापा उसे अपने फ्रेंड की बेटी से शादी करने के लिए फोर्स करते हैं, वहीं हमारी सेकंड फीमेल लीड दैंग को भी उसके मम्मी पापा शादी के लिए फोर्स करते हैं, पर उसे भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था और दैंग थी हमारी दाव की बेस्ट फ्रेंड। तो अगले दिन जान पहुंचती है ऑफिसर करण से रिजाइन की बात करती है। करण पूछता है क्या उसने कल कोई गलती कर दी जो वो नाराज हो गई। जान उसे बताती है कि जिस जमीन को वो चाहता है वो उसके डैड की है। तो करण ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। तो जान उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, तुम्हारे भेजे हुए गुंडों की वजह से मेरे डैड अभी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर ही करण माफी मांगने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकलता है, पर जान उसे रोकती है, वो उसे कहती है कि उसके डैड उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तो करण उसे कहता है कि मेरे
आदमियों ने ऐसा किया मुझे इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करता। पर फिर भी मुझे उनसे माफी मांगने के लिए जाना ही चाहिए क्योंकि गलती तो मेरे आदमियों से ही हुई है। तो कर्न एक बुके लेकर पहुंच जाता है उनसे माफी मांगने के लिए। तो मिस्टर सैंग को जैसे ही उसके बारे में पता चलता है तो वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनसे निकल जाने के लिए कहते हैं। तो जैन अपने डैड पे ही गुस्सा करती है कि ये मेरे कंपनी के बॉस हैं, ये आपसे माफी मांगने के लिए आए थे क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया था। तो उन दोनों के जाने के बाद दाव आती है डैड के लिए खाना लेकर, पर मिस्टर सैंग तो उसी पे गुस्सा करने लग जाता है कि तुम्हें पता था जैन उस कंपनी में काम करती है और वो थोड़ी देर पहले मुझसे उस कंपनी के मालिक के साथ मिलने के लिए आई थी। तो दाव कहती है आप चिंता मत करिए, मैंने उसे कंपनी से रिजाइन करने के लिए कह दिया है। तो ऑफिस में कर्न अपने डैड से गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने उसे बिना पूछे ही कुंडो को मिस्टर सैंग के प्लांटेशन में भेजा था। उसके डैड तो उसी पे गुस्सा करने लग जाता है, उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे तरीके से काम करते तो वो जमीन हमें कभी भी नहीं मिलेगी। एंड डैड उसे कहते हैं कि अगर वो जमीन को हासिल नहीं कर पाया तो उसे सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। कहकर डैड वहां से चले जाते हैं। उनकी बातें बाहर से जान सुन लेती है तो वो अंदर जाती है और कर्न से पूछती है क्या वो जमीन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्न भी उसके भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसे कहता है कि वो जमीन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सीन शिफ्ट होता है दाव पे, जो कि थानागन कंपनी के सीईओ से मिलने के लिए आ रही थी यानी कि कर्न से, पर सिक्योरिटी वाले उसे अंदर आने ही नहीं देते हैं, उसे बाहर फेंक देते हैं। दाव कर्न की वो रेड कार देखती है जो उसने उसके गांव में देखा था, तो उसका शैतानी दिमाग कुछ सोचने लग जाता है। इसके बाद कर्न अपने डैड को आकर बताता है कि जान उस जमीन को देने के लिए मान गई है। हमें यहाँ पता चलता है कि उसके डैड का कर्न को डांटना ऑफिस में वो बस एक नाटक था ताकि भोली प्यार में पागल जान को लगे कि कर्न प्रॉब्लम में है, इसके लिए उसे जान की वो जमीन चाहिए और सब कुछ बिल्कुल उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। तो डैड कर्न से जल्द अग्रीमेंट पे जान का साइन करवाने के लिए कहते हैं। तो कर्न जब बाहर आता है ऑफिस के तो वो देखता है अपने कार पे किसी ने चीटर फ्रॉड लिख दिया है। सीसीटीवी पे चेक करके उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़की थी जिसने गांव में उस पर अटैक किया था। इधर हम डैंग को देखते हैं जो बहुत ही अजीब ड्रेस पहन के जाती है लड़के के फैमिली से मिलने के लिए, जो कि और कोई नहीं बल्कि श्याओ था, पर वो उसके आने से पहले ही भाग जाता है, इस वजह से दोनों की मुलाकात नहीं होती। इधर कर्न अपने बेटे और का को अपने नैनी के साथ शॉपिंग करने के लिए भेज देता है क्योंकि जान आज उसके घर उसके फैमिली से मिलने के लिए आने वाली थी। तो घर के सारे मेंबर्स जान की बहुत ही अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं। कर्न की मॉम तो सबसे बड़ी ड्रामेबाज थी, वो तो जान को डायरेक्टली अपनी बहू बनाने के लिए कहते हैं। शॉपिंग मॉल में और कब बोर हो रहा था तो वो नैनी से कहता है कि उसे घर जाना है, पर नैनी तो किसी के साथ बात करने में बिजी थी। तो और का खुद ही अपना सारा सामान लेकर नीचे जाता है जहाँ रोड पे उसका एक्सीडेंट होने ही वाला था, पर दाऊ से बचा लेती है। तो दाऊ से पूछते तुम यहाँ किसके साथ आए हो, वो कहता है अपनी नैनी के साथ। दाऊ पूछती है कहीं तुम उनसे खो तो नहीं गए, और का कहता है हाँ। दाऊ उसका नाम पूछती है तो छोटू प्लेबॉय और का कहता है कि डार्लिंग पहले तुम अपना नाम बताओ। तो दोनों एक दूसरे को अपना अपना नाम बताते हैं। दाऊ से पूछती है क्या तुम्हें अपने घर जाना है, और का कहता है हाँ मुझे जाना तो है। तो दाऊ कहती है फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। तो और का कहता है मेरे डैड ने मुझे कहा था किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कहीं भी नहीं जाने के लिए, पर अगर आप मुझे अपना नंबर देंगी तो मैं आपके साथ जाऊंगा घर, इसके लिए दाऊ मान जाती है। इधर घर में इन सबसे अनजान कर्न के फैमिली वाले जान के साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे। इधर दाऊ और का को उसके घर पे ड्रॉप करती है तो और का कहता है मैं टैक्सी वाली को पे कर दूंगा। दाऊ कहती है तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। और का कहता है मेरे होते हुए मैं किसी ब्यूटीफुल लड़की से कैसे पे करवा सकता हूँ। तो दाऊ कहती है तुम वो पहले बच्चे हो गए जिसने मुझे ब्यूटीफुल कहा, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब बड़ों का काम है। तो और का घर के अंदर चला जाता है, उसे देखकर एक सर्वेंट उसे ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, पर और का ऊपर चला जाता है। अनजान पे पिचकारी से पानी मारता है। कर्न उसे डांट के भगाता है। अनजान को सब कुछ बताता है कि और का उसी का बेटा है, वो और उसकी वाइफ अलग हो चुके हैं। इस बारे में पहले ही ना बताने के लिए वो उसे माफी भी मांगता है। तो अपनी प्यार भरी बातों से फंसाने के बाद वो उसे प्रपोज भी कर देता है, जिससे जान तो बड़ी ही खुश हो जाती है। इधर दाव जान के घर पहुंच गई थी, वो जान को लगातार कॉल किए जा रही थी पर उसका कॉल लग नहीं रहा था, इसलिए वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तो जान की फ्रेंड रिन कहती कि वो बस आ ही रही होगी। तभी करण जान को अपनी कार से ड्रॉप करता है उसके घर, और दाव भी कार को बाहर देख लेती है तो वो कार की तरफ जाने लगती है। इधर हमारा प्लेबॉय करण जान को किस करता है और जान शर्माते हुए घर के अंदर जाती है, पर दाव करण का चेहरा देख नहीं पाती। जान दाव से झूठ बोल देती है कि उसका एक फ्रेंड उसे ड्रॉप करने के लिए आया था। इसके बाद दाव जान को अपने साथ गाँव ले जाती है, जहाँ डैड उसे बताते हैं कि उस प्लांटेशन वाली जमीन को उन्होंने उसके नाम कर दिया, वो उसे उस जमीन के कागजात भी दे देते हैं। इसके बाद दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है और इस पर डैड जान को हंसी खुशी बैंकॉक भेजते हैं, पर जान उस जमीन के कागजात करण को दे देती है। तो करण भी अपना नाटक शुरू कर देता है, उसे कहता है कि मैं ये जमीन तुमसे कैसे ले सकता हूँ, इसकी तो बहुत ही ज्यादा कीमत है। इस पे जान कहती है कि मैं ये जमीन सच में तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, जो चीज मेरी है वो तुम्हारी भी है। तो करण ने उसे झूठ बोल रखा था कि वो उस जमीन में एक ओल्ड एज होम बनाएगा, और इसी वजह से जान ने इतनी आसानी से उसे अपनी जमीन दे दी। और वो करण से कहती है कि जब मेरे डैड को पता चलेगा कि तुम इस अच्छे काम के लिए उस जमीन को खरीदना चाहते थे तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और हमारे रिलेशन के लिए भी मान जाएंगे। तो फाइनली करण का मिशन कम्प्लीट हो चुका था। घर में आकर वो अपने फैमिली को उस बारे में बताता है तो वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर सभी लोग जान के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं कि वो तो बहुत ही लालची लड़की थी क्योंकि वो करण के पैसों के पीछे पड़ी थी, इसीलिए इतनी आसानी से उसने अपनी जमीन को करण को दे दिया। तो इसी खुशी में डैड करण को अब्रॉड भेजते हैं एक वेकेशन के लिए, और अपनी बेटी रोज से कहते हैं कि तुम जान से कुछ पैसे देकर
प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन करवा लेना। इधर दैंग को उसके पापा शाओ के घर भेजते हैं उसे मिलने के लिए, पर दैंग उसका बैंड बजाकर भाग जाती है। इधर रोज प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट पे जान का सिग्नेचर करवा ली थी, जिसके बदले में वो उसे बहुत ही कम अमाउंट का चेक देती है। इस बारे में जब रेन को वो बताती है तो रेन उसे कहती है, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया, तुमने तो उन्हें लीगली अपनी जमीन बेच दी, वो भी बहुत ही कम कीमत पे। पर हमारी भोली जान को अभी भी लग रहा था कि मैंने तो बस उसे अपनी जमीन दी है, मैंने बेची कहाँ है, मैं तो करण के आने के बाद उसे ये चेक भी लौटा दूंगी। तो अगले दिन थानागोन कंपनी से पहुंच जाते हैं लोग बुलडोजर लेकर उस जमीन पे। इस बारे में दाव और उसके डैड को पता चलता है तो वो सभी वहां पहुंचते हैं और उन सभी को काम रोककर यहां से निकलने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये जमीन तो उनकी है। पर वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि ये जमीन अब आपकी नहीं रही, इस जमीन को आपकी छोटी बेटी जान ने थानागोन कंपनी को बेच दिया, वो भी सिर्फ 5 मिलियन में। इस उनके डैड की तबीयत खराब हो जाती है। इधर ऑफिस में करण की एक सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो जान को बताती है कि वो करण की गर्लफ्रेंड है। तो जान उसे कहती है, शायद तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि करण की गर्लफ्रेंड तो मैं हूं। तो याडा जान से कहती है, क्या तुम पागल हो, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि करण जैसा लड़का तुम्हें पसंद करेगा, वो जरूर तुमसे कोई काम निकलवाना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारा यूज किया। जान तो फुल शॉक्ड रह जाती है, वो अपनी बहन की बातों के बारे में याद करने लग जाती है। इसके बाद जान सीधा पहुंच जाती है करण के घर पे, जहां सब लोग उससे बदतमीजी से बात करते हैं, उसे भला बुरा कहने लग जाते हैं। घर की नौकरानी जो उसे घर के बाहर ही फेंक देती है। उसे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि करण ने उसे धोखा दिया, वो कर भी क्या सकती थी, वो रोने लग जाती है। इधर मिस्टर सैंग को हॉस्पिटल में होश आता है, दाव बहुत ही खुश होती है, वो अपने डैड से जान पे गुस्सा ना करने के लिए कहती है, वो उनसे प्रॉमिस करती है कि वो उस जमीन को वापस हासिल करके रहेगी। पर रेन भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, उन्हें बताती है कि जान ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है, उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा। पर वो घर के बाहर एक नोट छोड़ के आई है जान के लिए। तो जान हार्ट ब्रेक के साथ अपने घर पहुंचती है, जहां वो उस नोट को पढ़ के हॉस्पिटल लाने के लिए निकल ही रही थी। तभी वहां दाव कार लेके पहुंच जाती है और जान को गले लगा लेती है। जान उसे सॉरी कहती है और दाव उसे कंफर्ट करती है। जान के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो दाव उसे कहती है कि तुम्हें उस चीटर लड़के के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। जान कहती है वो उससे बहुत ही प्यार करती है, उसने उसे धोखा दिया, पर फिर भी वो अभी भी उससे प्यार करती है। अगले दिन दाव सीधे पहुंच जाती है करण के घर पे, सर्वेंट उसे रोकने की कोशिश करती है, पर दाव उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और सभी को बाहर बुलाती है, जहां वो उनका 5 मिलियन का चेक फाड़ के उनके मुंह पे फेंक देती है और उनसे अपनी जमीन वापस देने का डिमांड करती है। पर करण के डैड कहते हैं कि ऐसे कैसे तुम्हें वो जमीन वापस दे दे, क्योंकि अब वो जमीन हमारी है, अगर तुम्हें वो जमीन चाहिए तो तुम्हें हमसे वो जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो दाव कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हारे 5 मिलियन अभी लाकर तुम्हारे मुंह पे फेंक देती हूं। तो करण के डैड मिस्टर साग कहते हैं कि ऐसे कैसे 5 मिलियन में मैं तुम्हें वो जमीन दे दूं, इतनी अच्छी जमीन की तो कीमत मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। तो मिस्टर साग दाव से 25 मिलियन देने के लिए कहते हैं, तभी वो जमीन वो उससे बेचेंगे। तो दाव उन सभी को चीटर और फ्रॉड की फैमिली कहती है, उन पे मारने ही लग जाती है। तो सभी की अच्छी खासी धुलाई करने के बाद वो अपने फ्रेंड डैंग के घर जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे यही सजेस्ट करती है कि उसे थानागोन फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं, मिस्टर साग तो बहुत ही बड़े वाले रियल स्टेट माफिया है, और उसका बेटा करण तो एक नंबर का प्लेबॉय है। तो तुम यही समझ लो कि तुम्हारी बहन की किस्मत ही खराब थी कि वो उनके ट्रैप में फंस गई। और दाव कहती कि वो इसका रिवेंज तो थानागोन फैमिली से लेकर रहेगी और अपनी जमीन को भी वापस लेगी उनसे। इधर करण के मॉम डैड उसे अलग ही कहानी बताते हैं कि आज जान की सिस्टर ने उन पर अटैक किया, वो लोग तो बहुत ही ज्यादा लालची है, उन्होंने उनसे बहुत ही ज्यादा पैसों की डिमांड की, और जान की फैमिली तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। करण को तो इन सब पे बिलीव ही नहीं होता, पर उसके डैड कहते हैं कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब वो जमीन हमारी है, तो उनकी फैमिली अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर दाव जान को घर ले आती है, जहां उसके डैड उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं एंड स्ट्रेस की वजह से जान बेहोश हो जाती है। तो दाव को उसकी काफी फिक्र होती है, क्योंकि जान बहुत ही सेंसिटिव लड़की है। इधर करण को ऑफिस में पता चलता है कि जान ने रिजाइन कर दिया, एंड याडा आकर उसे बताती कि उसने उस गांव की लड़की को अच्छा मजा चखाया। तो करण जान से मिलने के लिए जाता है, पर जान तो वहां नहीं थी। रिन उसे अच्छा खासा भाषण देती है और उसे बताती है कि जान तुमसे सच्चा प्यार करती थी, उसे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं था, पर तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसे धोखा दिया, इसलिए आगे से उसे परेशान मत करना। इधर दाव कहीं बाहर जाने वाली थी, तो वो एक लड़के को अपने डैड पर नजर रखने के लिए क्या कर जाती है, कहीं वो जान पे और ज्यादा गुस्सा ना करे। इधर करण जान को कॉल करता है, उसे सॉरी कहता है। जान कहती है उसे सॉरी नहीं सुनना, उसे बस एक ही बात सुनना है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया। पर करण कहता है कि अगर उसे और भी ज्यादा पैसे चाहिए तो वो उसे देने के लिए तैयार है। पर जान कहती है कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो बस उसे प्यार करती है, सामने से भी वो उससे प्यार चाहती है। पर करण उसे कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी प्यार व्यार नहीं करता, वो एक बहुत ही बुरा लड़का है, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे भूल जाए तो उसके लिए ही अच्छा होगा, वो किसी अच्छे लड़के से प्यार करे जो उसे भी प्यार करता हो। ये सुन के जान तो पूरी तरह से टूट जाती है और अपना हाथ काट के वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर सही टाइम पे उसके डैड आकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ कुछ देर बाद दाव भी पहुंचती है। तो वो लड़का उसे बताता है कि जान थोड़ी देर पहले किसी से बात करी थी, वो उसका फोन भी देता है। दाव फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लास्ट कॉल करण का था, ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तो दाव करण की पूरी कुंडली निकालती है, उसके बारे में सब कुछ पता करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक नंबर का प्लेबॉय है और वो खूबसूरत लड़कियों को देख के फिसल जाता है। तो वो अगले दिन अपने अंकल सानू को अपने डैड और जान का ख्याल रखने के लिए कहकर बैंकॉक में अपने एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का बहाना करके बैंकॉक चली आती है, एंड अपने फ्रेंड डैंग को बताती
कहती है कि उसे अपना फुल मेकओवर करवाना है ताकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगे, ताकि वो करण को अपने प्यार में पागल करके उसे डंप कर सके और वो जमीन भी वो अपने नाम करवा लेगी, जिससे उसकी बहन का बदला भी पूरा हो जाएगा और उनकी जमीन भी उन्हें वापस मिल जाएगी। दैन कहती है इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि करण के जैसे प्लेबॉय को फंसाने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना होगा, और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तो दैन दाव का फुल मेकओवर करवाने के लिए बैंकॉक का सबसे फेमस ब्यूटी पार्लर जाती है, जहाँ दाव के फुल बॉडी का मेकओवर होता है। आखिर में दाव के फेस पर बस वो मस्ता या तिल रह जाता है, जिसके लिए दैन ने एक टॉप मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था, जिसके मेकअप के बाद दाव तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाती है। देन वो सभी मिलकर दाव को अच्छे से चलना सिखाते हैं। काफी प्रैक्टिस के बाद दाव बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल मॉडल्स की तरह चलना सीख जाती है। घर पे मिस्टर सैंग एक टूल से गिर जाते हैं, जान उनकी मदद करने आती है, पर डैड कहते हैं कि उन्हें उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो अभी उससे नाराज थे। तो जान भी गुस्से से बाहर चली जाती है, पर अंकल उसे अच्छी तरह से समझाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें ही तुम्हारे डैड का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि दाव अभी घर पे नहीं है। इधर दैंग दाव को बताती है कि आज शाम एक क्लब की ओपनिंग सेरेमनी है जहां करण भी आने वाला है, तो दैंग उसे आज रात शार्प 9:39 पे एंट्री मारने के लिए कहती है, जिसके लिए उसने एंट्री पासेस का भी इंतजाम कर रखा था और वो दाव के लिए एक नया नाम भी रख लेती है। तो इधर 9:39 हो जाता है, करण क्लब से बाहर निकलता है, तभी बाइक पे वो मैन इन ब्लैक बन के एंट्री मारती है दाव, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी, और करण तो उसे देखते ही रह जाता है। तो दाव फुल एटीट्यूड के साथ क्लब के अंदर जाती है। दैंग से मिलने के बाद वो अंदर जाकर एक टेबल पे बैठती है और करण तो उस पे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता है, पर दाव एक ही पल में करण की आंखों से ओझल हो जाती है। इधर क्लब में दैंग और श्याओ की मुलाकात होती है, दैंग तो उस पे चिल्लाने ही लग जाती है, तो श्याओ उसे कहता है अगर तुम्हें मुझ पे चिल्लाना ही है तो यहाँ से बाहर निकल जाओ, पर दैंग कहती वो नहीं जाने वाली, अगर उसे इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो वो इस क्लब के मालिक को बुलवा कर उसे यहाँ से निकलवा दे। तो श्याओ उसे बताता है कि वो इस क्लब का शेयर होल्डर है, इसलिए वो दैंग को क्लब से निकल जाने के लिए कहता है, पर दैंग नहीं मानती तो श्याओ उसे उठाकर बाहर ले जाता है, अपने बॉडीगार्ड्स को उस पे नजर रखने के लिए कहते हैं। उसे दाव की फिक्र होती है तो वो उसे कॉल लगाती है, पर कॉल वो पिक नहीं करती। इधर दाव सोचती है कि आखिर करण उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा है, तभी वो करण से टकराती है, उसका पैर फिसल के वो गिरने वाली होती है। करण उसे पकड़ लेता है, करण तो उसे देखता ही रह जाता है, पर दाव उसे छोड़ने के लिए कहती है। करण पूछता है क्या मैं तुम्हें सच में छोड़ दूं, दाव कहती हाँ, तो करण उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो गिरने जा रही होती है, पर करण उसे फिर से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उनका किस हो जाता है। हम याडा को देखते हैं, जो करण और दाव को किस करते हुए देखकर दाव को खींच के एक थप्पड़ मारती है, पर दाव भी कहां पीछे हटने वाली थी, वो उसके नाक पे पंच मार के उसका खून निकाल देती है। याडा गुस्से से फिर से उस पर अटैक करने जाती है, तो दाव उसे कहती है कि अगर तुम्हें अपने थोबड़े को सही सलामत रखना है तो मेरे से दूरी रहना, वरना तुम्हारी शक्ल पहचानने लायक नहीं रहेगी। तो याडा रोते हुए करण को शिकायत लगाती है, तो करण उसे कहता है कि गलती तुम्हारी है, तुम्ही ने उसे पहले मारा था। ये कह के वो दाव को अपने साथ बाहर ले जाता है और उसके लिए कोल्ड मसाजर भी लाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। देन दोनों एक दूसरे को अपने नाम बताते हैं, दाव उसे अपना नाम दाव प्रदा बताती है। देन करण दाव से उसका नंबर मांगता है, दाव के कुछ कहने से पहले ही वहाँ श्याओ आ जाता है और दाव की खूबसूरती को देखते हुए वो उसे अपने मॉडलिंग एजेंसी का कार्ड देता है, साथ में उसकी एजेंसी की तरफ से उसे मॉडलिंग करने का ऑफर भी देता है, पर दाव बिना कोई जवाब दिए उसका कार्ड लेकर चली जाती है। तो करण श्याओ से कहता है कि अगर वो तुझे कॉल करेगी तो उसका नंबर तो मुझे भेज देना, पर श्याओ कहता है कि वो तो तुझे मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। तो दाव दैंग से कहती है कि वो श्याओ के जरिए ही करण को अप्रोच करेगी और वो दैंग के लिए श्याओ से सर झुकवा कर माफी भी मंगवाएगी, तो इसका में दैंग उसका साथ देने के लिए मान जाती है। तो अगले दिन वो पहुंच जाती है श्याओ के ऑफिस में और उसे कहती है कि वो उसके कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी, पर वो उसके कंपनी के लिए एज ए फ्री एजेंट काम करेगी। श्याओ तो इसी में बड़ा खुश हो जाता है। देन दाव उसे अपनी कंडीशन बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो उसकी मैनेजर भी है, वो श्याओ से नाराज है तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी, इसके लिए श्याओ मान जाता है। देन वो जाकर दैंग से माफी मांगता है, पर दैंग कहती है वो उसे तभी माफ करेगी जब वो सभी के सामने माइक्रोफोन से अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट करके सर झुकाकर उसे माफी मांगेगी। तो श्याओ कहता है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो दैंग कहती है कि फिर दाव तुम्हारी एजेंसी ज्वाइन नहीं करेगी। तो दाव को अपनी एजेंसी में ज्वाइन करवाने के लिए बेचारा श्याओ अपने सारे एम्प्लॉयज के सामने ही अपनी गलती मानता है और दैंग के सामने घुटने टेक कर सर झुकाकर उससे माफी भी मांगता है। तो श्याओ ये खुशखबरी करण को सुनाता है और करण की रिसेप्शनिस्ट ये बात सुन लेती है, तो वो याडा को इस बारे में बताती है। तो याडा पहुंच जाती है श्याओ के पास क्योंकि वो उसी की कंपनी की मॉडल थी, तो वो उसे वार्न करती कि अगर उसने दाव को अपनी एजेंसी में लिया तो वो उसकी एजेंसी छोड़ देगी, जिससे उसकी एजेंसी का नाम खराब होगा क्योंकि याडा एक पॉपुलर मॉडल थी। याडा को तो फुल कॉन्फिडेंस था कि श्याओ उसे ही अपनी एजेंसी में रखेगा। इधर प्लेबॉय करण तो अभी भी दाव के ख्यालों में ही डूबा हुआ है। तो करण अपने कंपनी के एक नया प्रेजेंटर चूज करने के लिए एक मीटिंग में था, तो सारे शेयर होल्डर्स ने मिलकर डिसाइड किया था कि इस साल वो याडा को अपनी कंपनी का प्रेजेंटर चूज करेंगे, पर करण कहता है कि वो इस साल याडा के बदले एक ऑर्डिनरी लड़की को प्रेजेंटर बनाना चाहता है जो कि काफी यूनिक होगा, तो सभी को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। अब ये पता लगने पर याडा अपनी आंखों में नकली आंसू भर के करण के पास जाकर रोने का नाटक करने लग जाती है, पर करण उसके नकली आंसू पहचान लेता है, तो वो उसकी आंखों में अच्छी तरह से पानी डालकर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने से पहले थोड़ा एक्टिंग अच्छे से प्रैक्टिस करके आना चाहिए था। फाइनली इवेंट का
बड़ा दिन आता है तो करण मीडिया वालों ने सारे शेयर होल्डर्स के सामने अपने नए प्रेजेंटर को इंट्रोड्यूस करता है। वो और कोई नहीं बल्कि दाऊ थी। दाऊ इतनी प्रिटी लग रही थी कि करण के साथ साथ उसके डैड भी उसे देखते ही रह जाते हैं। याडा अपने मैनेजर के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह इवेंट पे पहुंच तो जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर आने ही नहीं देते और वो बाहर चिल्लाते रह जाती है। तो करण के डैड आकर उसे कहते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की तुझे कहाँ से मिल गई, ये लड़की ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मुझे ये बहुत ही पसंद आ गई है। तो करण उन्हें कहता है कि इस लड़की की तरफ तो आप देखना भी मत। तो डैड कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, पर क्या ये तेरी नई गर्लफ्रेंड है? तो करण कहता है अभी तक तो नहीं, पर फ्यूचर में जरूर बन जाएगी। तो डैड कहते हैं शाबाश मेरे बेटे, आखिरकार तुझ में मेरा ही खून है, हमारे लिए लड़कियों को पटाना चुटकियों का खेल है। तभी उसकी माता जी प्रकट हो जाती है, उनसे पूछती है आखिर तुम दोनों किस खून की बात कर रहे हो? तो बाप बेटे दोनों बहाने बनाने लग जाते हैं। डैड कहते हैं मैं तो तुम्हारे महान खून की बात कर रहा हूँ जो हमारे बेटे में है, तभी तो वो इतना हैंडसम और इंटेलिजेंट है। तो डैड मॉम को बहाना बना के वहाँ से ले जाते हैं, उनकी आंखें तो दाऊ की तरफ ही थी। आखिर वो हमारे प्ले बॉय करण के महा प्ले बॉय बाप जो ठहरे। देन करण सारे रिपोर्टर्स को भेज कर दाऊ के साथ फ्लर्टिंग करने लग जाता है। तभी उसे और का कॉल करके नीचे बुलाता है। तो करण उसे अपनी नैनी के साथ आइसक्रीम खाने के लिए भेज देता है, उसे ये कहकर कि वो उसके साथ आधे घंटे में खेलने के लिए जाएगा। इधर आधे घंटे से ज्यादा हो जाता है, नैनी सो जाती है तो और का अकेले अपने डैड को ढूंढने के लिए चला जाता है, जहाँ दाऊ से देखकर एक्साइटमेंट में उसके साथ बात करने लग जाती है कि तुम यहाँ कैसे? पर और का तो उसे पहचान ही नहीं पाता क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा प्रिटी हो गई थी। पर काफी याद करने के बाद उसकी आवाज से वो उसे पहचान लेता है कि ये तो उसकी मिस ब्यूटीफुल है जिसने उसे घर ड्रॉप किया था। एंड वो बहुत ही खुश हो जाता है। देन दाऊ को पता चलता है कि और का तो करण का बेटा है, तो वो आ जाती है टेंशन में कि कहीं ये बात वो अपने डैड को ना बता दे वरना उसका पोल खुल जाएगा। तो वो और का को कन्विंस करने लग जाती है कि वो उसके डैड के सामने एक दूसरे को नहीं जानने का प्रिटेंड करेंगे और इसके बदले वो हमेशा के लिए उसके साथ खेलने आएगी, जिसका वो उसे पिंकी प्रॉमिस भी करती है। तभी करण उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। दाऊ से नाटक करते हुए पूछती है क्या ये तुम्हारा बेटा है? करण को उसे बताना ही पड़ता है कि और का उसी का बेटा है, वो एक सिंगल फादर है। देन करण दाऊ से पूछने लग जाता है कि कहीं इसने तुम्हारे साथ कोई शरारत तो नहीं की? और का कहता है कि डैड आपका बेटा आपके लिए इतना देर से वेट कर रहा है, आप तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हैं। तो और का दाऊ को भी अपने साथ खेलने के लिए इनवाइट करता है। तो तीनों जाते हैं प्लेस्टेशन, जहां वो सभी काफी एंजॉय करते हैं गेम्स खेलने के साथ साथ। हमारा छोटू और का दाऊ को अपनी मॉम बनाने का प्लानिंग कर रहा था, तो वो उन दोनों को क्लोज लाने के लिए अपने डैड को दाऊ के ऊपर गिरा देता है, पर दाऊ कुछ ज्यादा ही जोरों से करण के चेस्ट को दबा देती है, इसकी वजह से करण की तो बैंड ही बच जाती है। देन वो दाऊ को थैंक यू बोलता है और का के साथ इतनी अच्छी तरह से बिहेव करने के लिए, क्योंकि और का इतनी आसानी से किसी के साथ मिलता जुलता नहीं है पर तुम्हारे साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। दाऊ पूछती है क्या तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है जिसके साथ और का कंफर्टेबल नहीं था? तो करण कहता है पहले थी पर अब सिर्फ मेरी लाइफ में एक ही लड़की है और वो तुम। ये कहकर वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, पर दाऊ वॉशरूम का बहाना करके वहां से चली जाती है क्योंकि करण की चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के बाद उसकी भी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। तो वो अपने आप को समझाती है कि वो यहाँ सिर्फ बदला लेने के लिए आई है, इसलिए उसे अपने रिवेंज पे फोकस करना चाहिए। तभी अचानक उसके सामने रिन आ जाती है, तो अचानक उसे अपने सामने देखकर वो उसका नाम ले लेती है। रिन भी उसे पहचान जाती है, उसे पूछती है आखिर तुम करण के साथ यहाँ क्या कर रही हो, और उसे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाती है। तो दाऊ उसे कहती कि वो उसे सब कुछ बाद में बताएगी क्योंकि करण और का उसे बुलाने के लिए आ गए थे। तो वो उन दोनों के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो रिन के घर जाती है जहां वो उसे सब कुछ बताती है कि वो यहां बस करण से बदला लेने के लिए आई है और वो ये बात जान या फिर उसके डैड को ना बताए। तभी मकान मालिक ने आकर रिन से पैसे मांगने लग जाती है, पर रिन के पास पैसे नहीं होते इसलिए दाऊ उसे पैसे दे देती है। तो रिन कैक्टस बेचती थी, उसकी सेल्स कुछ अच्छी नहीं होती थी इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो दाऊ उसे कहती कि उसे पता है कि जान इस घर का रेंट पे किया करती थी, तो अब से वो इस घर का रेंट पे कर देगी और उसके लिए एक नया जॉब भी ढूंढ देगी। इधर गांव में जान बोर हो रही थी घर में ही रह रहकर, तो वो एक लड़के मैंग के साथ प्लांटेशन घूमने के लिए जाती है, जहां उसे पता चलता है कि दाऊ अकेले ही 6-7 प्लांटेशन संभाल लेती थी। इधर दाऊ करण को कॉल करती है, उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी जो तुम्हें मुझे मैसेज करना पड़ा। तो करण पूछता है मैंने कहां मैसेज किया। देन वो मैसेज चेक करता है और उसे पता चलता है कि किसी ने दाऊ को मैसेज किया था कि आई मिस यू और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब उसे याद आता है कि आज सुबह तो उसका फोन औरका के पास था, इसलिए जरूर औरका ने ही उसे मैसेज भेजा था। तो करण कॉल पे ही अपनी फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है और वो उसे औरका के बहाने मिलने के लिए बुलाता है। दाऊ कहती है वो औरका से मिलने आएगी तो जरूर, पर अभी वो बिजी है क्योंकि उसका अभी शव के साथ मीटिंग है। तो जान उनके प्लांटेशन में कुछ बच्चों को फल खाता हुआ देखती है, तो वो उन बच्चों को बहुत डांटती है और उन्हें पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। तो जान उन बच्चों को पकड़ के अपने पापा के पास ले जा ही रही थी कि सानू वहां आ जाता है, उसे रोकता है और उन बच्चों को छोड़ देने के लिए कहता है क्योंकि दाऊ ने ही उन्हें खाने के लिए परमिशन दी थी। तो जान कहती है ये दाऊ भी बहुत ही ज्यादा दयालु है और यहाँ के लोग उसके काइंडनेस का फायदा उठाते हैं, इसीलिए वो अभी भी प्लांटेशन में ही पड़ी हुई है वरना अभी तक तो वो मिलियनियर बन जाती। तो सानू उसे कहता है पहले तुम अपने बारे में सोचो, क्या तुम उस जमीन को धोखे से बिकवाकर मिलियनियर बन गई? ये सुनते ही जान उसे थप्पड़ मार देती है। तो सानू कहता है अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम एक नंबर की स्टूपिड हो। जान फिर से उसे थप्पड़ मारने जाती है, पर सानू इस बार रोक लेता है, उसे कहता है कि यहां के लोग मिलजुल कर प्यार से रहते हैं और हमारे यहां पैसों से कोई मिलियनियर नहीं बनता, मिलियनियर होते हैं प्यार और काइंडनेस से, और अगर वो तुम किसी को नहीं दिखा सकती तो यहां से निकल जाओ। तो जान घर छोड़ के जाने के लिए पैकिंग स्टार्ट कर देती है, तभी उसे दाऊ का कॉल आता है। तो वो दाऊ को रोते हुए बताती है कि यहां कोई नहीं चाहता कि वो यहां पे रहे, इसलिए वो बैंकॉक वापस जा रही है। तो दाऊ उसे तुरंत आने के लिए मना कर देती है, जिसका रीजन बताते हुए वो उसे कहती है कि अगर तुम यहां आई तो तुम्हें फिर से उस
चीटर की याद आएगी और इस तरह तुम कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, इसलिए तुम वहीं कुछ दिन और रहो। ये सुनकर उसे फिर से करण की याद आने लगती है और वो रो पड़ती है और फिर से अपना रोना धोना शुरू कर देती है। पर धाव उसे कम्फर्ट करती है और उसके कमरे के बाहर मिस्टर सिंह और सानू उसकी बातें सुन रहे थे। मिस्टर सिंह सानू से कहते हैं कि अगर मेरी बेटी वापस बैंकॉक गई ना तो तू तो गया, और जान अपने बैंकॉक जाने का प्लान ड्रॉप करती है। इधर याद शाह को कॉल पे कॉल की जा रही थी पर वो उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, तो वो अपने मैनेजर के साथ शाह को ढूंढने के लिए निकलती है। इधर दाव जैसे ही शाह के ऑफिस में पहुंचती है तो वहाँ उसे करण के दर्शन होते हैं, तो उसे देखकर करण भी अपना नाटक शुरू कर देता है और उसे पूछता है तुम यहाँ कैसे आ गई। पर दाव को तो पता ही था कि करण उसके चक्कर में आया है, तो करण फिर से अपनी फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है कि मुझे तो तुमसे प्यार होने लगा है। तो दाव कहती है कि अभी तो तुम्हें ये प्यार लग रहा है पर बाद में कहीं तुम्हें मुझसे नफरत ना हो जाए। तो करण उसे डायरेक्टली डेट के लिए पूछता है पर दाव उसका बिना कोई जवाब दे ही जाने लग जाती है, तो करण उसके पीछे जाने लगता है। तो करण उसे कहता है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो तुम क्या करोगी। तो दाव कहती है मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मुझे तुम जैसे लड़कों से प्यार हो जाएगा, और वैसे भी मैं तुम जैसे डेंजरस लड़के से दूर रहना चाहती हूँ। जिस पे करण कहता है कि मैं डेंजरस सिर्फ कुछ लोगों के लिए हूँ, ये कहकर वो उसके क्लोज जाने लगता है। पर दाव उसके मुंह पे अपना हाथ रख देती है और उसी वक्त पहुंच जाती है मिस याडा, जो उसे करण से दूर रहने के लिए कहकर उससे लड़ने ही चली जाती है। पर दाव की एक लात खाकर वापस आ जाती है। देन वो अपने मैनेजर को उससे लड़ने के लिए जाने के लिए कहती है पर वो तो नहीं जाती, तो याडा गुस्से से फिर से उस पर अटैक करने जाती है और इस बार बम पे लात खाकर वो वापस आ जाती है। तो याडा उसकी इंसल्ट करने लग जाती है, दाव को गुस्सा आता है, वो उसे हेडबट मार के बेहोश कर देती है। इसके बाद शाओ दाव से उसकी एजेंसी ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है। तभी करण को ओरका के टीचर का कॉल आता है जो उसे स्कूल बुलाते हैं। तो स्कूल में ओरका ने किसी बच्चे के हाथ में काट दिया था तो उसकी मॉम हल्ला मचा रही थी। तो ओरका सभी को सच बताता है कि गलती उसकी नहीं थी, वो ही लड़का उसे मारने आ रहा था इसीलिए उसने अपने बचाव में उसका हाथ में काट दिया। पर उस बच्चे की मॉम तो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, वो तो सीधा उससे माफी मांगने के लिए कहती है। तो दाव उसे कहती है हेलो आंटी कुछ ज्यादा ही हो रहा है आपका। वो कहती है आंटी किसको बोल रही है। तो दाव कहती है तुझे आंटी नहीं तो क्या दादी माँ बुलाऊं। वो कहती है आखिर तू है कौन जो बीच में टांग अड़ा रही है। तो दाव ने कह देती कि वो ओरका की मॉम है। तो वो कहती है सभी को पता है कि इस बच्चे की कोई माँ नहीं है, क्या तू उसकी सौतेली माँ है। अब ये सुन के दाव को आता है बहुत ही गुस्सा, तो वो उसके तरफ जाती है और उसके कान में कहती है पता नहीं क्या कहती है, पर वो अपने बच्चे के साथ वहाँ से भाग जाती है। तो जब करण उसे पूछता है कि आखिर तुमने उस औरत के कान में क्या कहा जो सुन के वो अपने बच्चे के साथ यहाँ से भाग गई, तो दाव उसे बताती कि उसने कहा कि उस बच्चे का बाप एक बहुत ही खतरनाक माफिया है, अगर उसे गुस्सा आ गया तो तू अपने बच्चे का शक्ल भी नहीं देख पाएगी। तो करण उसे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो दिन दहाड़े मेरे रेपुटेशन का भाजीपाला कर दिया, तो अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दाव पूछती कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो करण कहता है अब जब तुमने कह ही दिया तो तुम अब ओरका की सच में मॉम बन जाओ एंड हम दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। ये सुनकर ओरका तो बड़ा ही खुश हो जाता है, पर दाव करण को पागल कहकर वहां से चली जाती है। इधर देंग अपना कुछ सामान लेकर दाव के आने का इंतजार कर रही थी, तभी पीछे से शाह आता है उसके कान में कुछ कहता है। देंग घबराहट में उसे दो चार चमाट जड़ देती है, तो शाह उसे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और तुम यहाँ मुझे ही मार रही हो। वो तो मुझे दाव ने यहाँ भेजा तुम्हारी मदद करने के लिए, वरना मैं तो कभी नहीं आता। देंग उसे कहती है तुम्हारी मदद चाहिए भी किसे, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से, मैं अकेले ही इन सारे बॉक्सेस को अपने घर ले जाऊंगी। तो देंग सारे बॉक्स उठाने जाती है पर बॉक्सेस गिर जाते हैं, तो शाह बॉक्सेस उठाने में उसकी मदद करता है। तो अपने कार के पास पहुँच कर शाह उसे अपने पॉकेट से कार कीज निकालने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि वो उसके पॉकेट में हाथ नहीं डालेगी। तो शाह बॉक्सेस को नीचे रख के कार कीज निकाल कर उसे चिढ़ाने लग जाता है। तो देंग उसके सामने अपना पैर रखकर उसे कीचड़ में गिरा देती है और उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। पर फिर भी हमारा शाह बहुत ही अच्छा लड़का है, वो उसका सामान पहुँचाने में उसके घर तक जाता है, जहाँ पहले देंग तो उसे अपने घर में नहाने देने के लिए मना करती है, पर उसके हेल्प को देख कर वो उसे नहाने के लिए अलाउ कर देती है। पर शाह जैसे ही बाथरूम से नहाकर निकलता है उसकी और देंग की टक्कर हो जाती है, वो उसके ऊपर गिर जाता है। तो देंग उसे मारने लग जाती है, तो शाह जल्दी से उठने लग जाता है पर उस चक्कर में उसके कपड़े खुल जाते हैं और सीन कट होकर दाव की तरफ आता है। दाव जो आज पूरे दिन ओरका के साथ खेल कर थक कर कार में ही सो जाती है, ओरका भी दाव की गोदी में ही सो जाता है। ये देखकर करण को बहुत ही अच्छा लगता है, वो उनकी एक तस्वीर खींचता है। जब दाव उठ जाती है तो करण उसे थैंक यू कहता है ओरका का ध्यान रखने के लिए, और वो ओरका को उठाने लग जाता है। पर ओरका तो बहुत ही चैन से सोया हुआ था एंड वो दाव को अपनी मॉम समझने लग जाता है, तो दाव भी उसकी काफी केयर करती है। देन कुछ देर बाद वो देंग के घर के अंदर जाती है, पर देंग तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है उस शाह को उसके पास भेजने के लिए। तो देंग उससे पूछती है तू इतनी रात तक उस करण के साथ कर क्या रही थी, कहीं वो तुझे पसंद तो नहीं आने लगा। दाव बताती है कि वो ओरका के साथ खेल रही थी और वो उस करण से सिर्फ नफरत करती है। तो देंग पूछती है क्या तू उसे डेट करने के लिए मान गई है। दाव कहती है इतनी जल्दी कैसे, अब तो कुछ और दिन उसे अपने इशारों पे नचाना है। इधर ओरका तो घर में बस दाव के ही गुनगान गाने लग जाता है, जिसे सभी को दाव के बारे में करण से पूछने लग जाते हैं। और हमेशा की तरह करण की मॉम रोज और शान दाव की बुराई करने लग जाते हैं, उसे कहते हैं वो भी उस जान की तरह ही तुम्हारे पैसों के पीछे ही पड़ी होगी, तो उसे दूर ही रहना। तो करण उन्हें बताता है कि दाव एक बहुत ही अच्छी लड़की है और कभी उसे बहुत पसंद करता है। तो शान महाराज अपनी वाणी सुनाते हुए कहते हैं कि हर अच्छी दिखने वाली लड़की दिल से अच्छी नहीं होती। तो करण उसे टोंट मारते हुए कहता है कि कुछ लोग दिखने में तो अच्छे होते नहीं, ऊपर से दिल से तो वो और भी ज्यादा बुरे होते हैं। और का करण से कहता है कि वो दाव को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है और वो दाव को अपनी मॉम बनाना चाहता है। इधर याडा दाव से अपना बदला लेने के लिए उसके पीछे एक गुंडे को भेजती है, जो कि स्कूटी से दाव पे अटैक करता है, उसके सर से खून निकलने लग जाता है। भेजा हुआ गुंडा दाव पे अटैक करता है, जिसकी वजह से दाव के सर
से खून निकलने लग जाता है। तो देन करण को कॉल करके इस बारे में बताती है। तो करण हॉस्पिटल पहुंच जाता है, दाऊ की केयर करने लग जाता है। तो दाऊ से बताती है कि उस मोटरसाइकिल वाले ने जानबूझकर उस पर हमला किया था। तो करण कहता है कि वो उस आदमी के बारे में पता लगा लेगा, बस दाऊ अपना ख्याल रखे। दाऊ तो उसकी केयरनेस को देखकर उसकी तरफ देखने ही लग जाती है। इधर याडा तो बड़ी खुश हो रही थी कि उसने उस दाऊ की बच्ची से अपना बदला ले लिया, पर तभी करण उसके घर आ जाता है। उसे वार्न करता है कि अगर अगली बार से उसने दाऊ को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो उसे छोड़ेगा नहीं। देन करण रात में दाऊ के पास रहकर उसका ख्याल रखने के लिए अपने घर से निकल ही रहा था कि उसकी माँ उसे रोक लेती है, उसे साफ साफ जाने से मना कर देती है। पर करण उन्हें मना कर हॉस्पिटल पहुंच ही जाता है और दाऊ को याडा के बारे में बताता है और उसे कहता है कि ये याडा ने उसी की वजह से किया है, इसलिए वो यहाँ रहकर दाऊ का ख्याल रखना चाहता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, इसके लिए दाऊ भी मान जाती है। देन को तो कुछ समझ नहीं आता कि दाऊ ऐसा क्यों कर रही है, तो वो करण को बाहर भेजकर दाऊ को इस बारे में पूछती है। तो दाऊ बताती है कि जितना करण उसके पास रहेगा उतनी ही जल्दी वो दाऊ के प्यार में पागल होगा, जिस पे देन कहती पर जरा संभल के रहना, कहीं तुझे उससे प्यार ना हो जाए। दाऊ कहती वो अपना ध्यान रख लेगी, पर देन को अभी भी फिक्र होती है। तो वो उसे कहती है कि वो दाऊ को कुछ मंत्र टेक्स्ट करेगी जिनका जाप करने से वो अपने आप को करण से बचा सकती है। तो दाऊ मंत्रों का जाप करना शुरू कर देती है, पर जैसे ही करण बाथरूम से नहाकर बाहर निकलता है दाऊ फटाफट से फोन को रख कर नॉर्मल बिहेव करने लग जाती है। करण उसके पास आकर उसे पूछता है तुम अभी तक सोई नहीं, तो दाऊ उसकी तरफ मुड़ती है और उसे देखते ही रह जाती है क्योंकि करण शर्टलेस था और शर्माने लग जाती है। ऊपर से पानी का बॉटल लाने के चक्कर में वो उसके चेस्ट पे किस भी कर देती है। करण उसे कहता है कि मुझे ओर्का ने तुमसे जल्दी से ठीक होने के लिए कहने के लिए कहा था और एक और चीज करने के लिए कहा था, ये कहकर वो दाऊ को किस करने लग जाता है। ये देखकर दाऊ तो उसके गालों पे तो थप्पड़ जड़ देती है, पर दाऊ अपने हाथ को कंट्रोल ही नहीं कर पाती है, उसे और थप्पड़ मारने लग जाती है। तो करण उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है तुम्हें। तो दाऊ उसे बताती है कि जब भी वो चौंक जाती है तो उसका हाथ अपने आप चलने लग जाता है। तो करण उसे कहता है कि सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, पर मुझे ये ओर्का ने करने के लिए कहा था इसलिए मैंने किया। तो दाऊ कहती है अच्छा तो तुम्हें ये ओर्का ने करने के लिए कहा था, फिर मेरे पास भी कुछ है जो तुम्हें ओर्का के साथ करना है। ये कहकर वो करण के लिप्स को बहुत ही जोरों से पिंच करती है और उसे कहती है कि तुम ओर्का को कह देना कि तुम्हारे जो पापा है वो बहुत ही चालू आदमी है। जिसके बाद हमें दोनों को सोया हुआ दिखाया जाता है, पर दोनों में से कोई भी सोया हुआ होता नहीं। दाऊ तो करण पे नजर रखने के लिए जगी हुई थी और छुप छुप कर उस पर नजर भी रख रही थी और मंत्रों का जाप भी कर रही थी। तो अगले दिन करण ऑफिस आता है, शाह उसे कॉल करके उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि वो पूरी रात दाऊ के साथ था पर फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाया। तो करण एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाने वाला था जिसके बारे में रिसेप्शनिस्ट करण की मॉम को कॉल करके बता देती है और हमारी तीन तिगड़ी टीम पहुंच जाती है दाऊ की क्लास लेने, जहां करण की मॉम दाऊ को 30,000 का चेक देती है और करण से दूर रहने के लिए कहती है। इधर करण की मीटिंग जल्दी ही खत्म हो जाती है, जिस वजह से रिसेप्शनिस्ट परेशानी में आ जाती है क्योंकि करण की मॉम ने करण को ऑफिस में कैसे भी करके रोकने के लिए कहा था। तो वो उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, पर करण उसकी हरकतों से समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए वो हॉस्पिटल के लिए निकलता है। और इधर तीन तिगड़ी दाऊ की इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रही थी और तो उससे ये भी कहती कि तुमसे पहले एक और लड़की थी जिसका नाम था जान, जो कि करण के पीछे थी पर हमने उसका बैंड बजा दिया, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ये पैसे पकड़ो चुपचाप निकल लो। अब जान का नाम सुन के दाऊ को आता है गुस्सा, वो उसे कहती है ठीक है मैं करण से दूर चली जाऊंगी पर उसके लिए तुम्हें मुझे 30 मिलियन देने पड़ेंगे। तो करण की मॉम कहती है तुम जैसी लड़की को तो मैं 30 रुपए ना दूं, तुम्हें तो 30,000 दे रही हूं, इसलिए चुपचाप लेके निकल जाओ। इस पे दाऊ कहती है कि जो चीज मुझे चाहिए वो तो मैं किसी भी कीमत पे हासिल कर लेती हूं और अब मुझे स्पेशली तुम्हारा बेटा चाहिए। इधर करण भी हॉस्पिटल में एंटर कर चुका था और इधर इनकी फाइटिंग शुरू हो जाती है। दाऊ तो अकेले ही तीनों का बैंड बजा देती है। तो करण को रूम के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो भाग कर रूम के अंदर जाता है और ठीक उसी वक्त वो तीनों मिलकर दाऊ को धक्का देके नीचे गिरा देते हैं। जिस सीन को देखकर करण को लगने लगता है कि वो तीनों मिलकर दाऊ को परेशान कर रहे थे और दाऊ भी बेचारी बनने का नाटक करने लग जाती है। तो करण से कहती है कि तुम्हारी फैमिली मुझ पे अटैक करने के लिए आई थी। तो करण उन तीनों पे गुस्सा करता है। करण की मॉम उसे समझाने लग जाती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, बल्कि इसी ने हमें मार मार के हमारी बैंड बजा दी है। रोज उसे पूछती है तुम्हें इस लड़की पे भरोसा है या फिर तुम्हारी फैमिली पे। करण तो डायरेक्टली बोल देता है कि मुझे तो दाऊ पे ही भरोसा है। तो दाऊ इस मौके पे और ज्यादा बेचारी बनने के लिए करण से कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से अपनी फैमिली से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनसे माफी मांग लेती हूँ। ये कहकर वो अपने घुटने पे बैठ कर उनसे माफी मांगने के लिए जाती है, पर करण उसे उठाकर कहता है कि तुम्हें इनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो रोज कहती ये भी उस जान की तरह लालची लड़की है जो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है। करण कहता है कि जान एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और दाऊ उससे भी अच्छी है। ये सुनकर दाऊ तो उसे देखते ही रह जाती है। करण उन तीनों को बाहर भेज देता है। करण की मॉम को दाऊ की मार कुछ जानी पहचाने लगती है क्योंकि एक बार पहले भी तो वो सभी उससे मार खा चुके थे, पर उन्हें दाऊ के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। फिर गांव के लोग मिस्टर सैंग के पास शिकायत लेके आते हैं कि आप हम सबसे पैसे ले रहे हैं प्लांटेशन में आने के लिए और हमारे बच्चों को भी फल खाने से मना कर दिया। पर मिस्टर सैंग को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, तो वो इस बारे में पता करने के लिए प्लांटेशन जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनके प्लांटेशन के बाहर एक बोर्ड टंगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि इसके अंदर आने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। जिसे देखकर मिस्टर सैंग को बहुत गुस्सा आता है, वो उस बोर्ड को तोड़कर सीधा घर आते हैं और जान से इस बारे में पूछने लग जाते हैं। जान उन्हें बताती थी कि उसी ने ये सब किया है क्योंकि गांव वाले उनका फायदा उठा रहे थे,
पर मिस्टर सैंग भी उसे वही बात कहते हैं जो सानू ने उसे कहा था कि यहाँ के लोग पैसों के लिए नहीं बल्कि प्यार और काइंडनेस के साथ एक दूसरे की मदद करके रहते हैं। तो वो गुस्से से पहुंच जाती है सानू के पास और उससे पूछने लग जाती है कि तुम्हें मेरे डैड को मेरी शिकायत की है ना मेरे प्लांटेशन फी चार्ज करने के बारे में। सानू कहता है मैंने उन्हें कुछ बताया तो नहीं है पर लगता है तुम्हारे दिमाग में मेरी बातें अच्छी तरह से घुसी नहीं है, इसलिए मैं आपसे हर रोज तुम्हें याद दिलाता रहूंगा कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें प्यार और काइंडनेस के साथ रहना होगा। इधर हमारी तीन तिगड़ी दाऊ को करण के लाइफ से निकाल फेंकने के लिए एक प्लान बनाती है दाऊ को उनके घर खाने पे इन्वाइट करने का और उनकी पूरी प्लानिंग सुन लेता है हमारा छोटू और का। तो मॉम करण को बुलाती है और दाऊ को खाने पे इन्वाइट करने के लिए कहती है। करण को तो इसमें कुछ झोल लगता है तो वो अपनी मॉम से पूछता है कहीं इसमें आपका कोई प्लान तो नहीं है। उसकी मॉम तो अव्वल दर्जे की ड्रामेबाज थी ही, वो करण से कहती है अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है ना इसलिए मैं उसकी थोड़ी केयर करना चाहती हूँ क्योंकि और का और तुम दोनों ही उसे जब पसंद करते हो तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा। तो करण भी मान जाता है उसे बुलाने के लिए, दाऊ भी उसके घर जाने के लिए राजी हो जाती है। पर दैंग को उसकी फिक्र होती है इसलिए वो उसे अपने साथ कुछ स्पिरिचुअल चीजें ले जाने के लिए कहती है क्योंकि हमारी दैंग कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी थी। तो वो दाऊ को बक्सा भर के स्पिरिचुअल चीजें दिखाती है तो दाऊ को मानना ही पड़ता है। तो दाऊ ने अपने दुश्मन के घर में एंट्री मार ली थी। करण के पिताश्री उसे देख कर तो बड़े ही खुश हो रहे थे जिन्हें माताश्री धक्का देके साइड हटाती है और दाऊ से कहती है अब जब तुम सब कुछ भूल कर हमारे साथ खाने के लिए आई हो और करण भी तुम्हें पसंद करता है तो अब से हम फैमिली है इसलिए तुम भी मुझे मॉम ही बुलाना। अब ये कहकर वो उसके मॉम डैड के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर वो लोग क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। दाऊ को एक बुक पे घोड़े का फोटो दिखता है तो वो उन्हें कह देती है कि उनकी फैमिली हॉर्स फार्म चलाती है और हर घोड़ा मिलियंस में बिकता है। उनके फार्म्स तो दुनिया भर में फैले हुए हैं जैसे अमेरिका कनाडा अर्जेंटीना और भी बहुत सारी जगहों पे। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वो उसके पास कितने पैसे हैं उसका हिसाब लगाने लग जाते हैं। देन वो उससे पूछते हैं कि हॉर्स फार्म के अलावा वो लोग और क्या काम करते हैं। तो दाऊ ने बताती है कि उसके डैड जमीन खरीदते और बेचते हैं। तो करण के डैड कहते हैं कि वो तो बिल्कुल हमारी तरह ही है कभी हमसे भी उन्हें मिलाओ। तो दाऊ ने बताती है कि उसके मॉम डैड थाईलैंड में नहीं रहते वो यूरोप में अपने कैसल में रहते हैं इसलिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। अब ये सुनकर करण की मॉम तो सोच में ही पड़ जाती है कि आखिर ये कितनी अमीर है। तो रोज कहती है तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी होगी। इस पे दाऊ कहती है अरे वो तो है ही पर मुझे सिंपल लोगों की तरह रहना पसंद है इसलिए मैं ऐसे रहती हूँ पर मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। पर रोज को अभी भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता इसलिए वो अपने प्लान के हिसाब से चलती है और खाना लाने के लिए कहती है। तो सबसे पहला आइटम होता है टोमेटो सूप जिसे देखकर दाऊ और ओरका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं एंड हमें एक फ्लैशबैक से पता चल जाता है कि ओरका ने दाऊ को सब कुछ पहले ही बता दिया था। तो दाऊ करण की मॉम को देखकर अपने मन में कहती है कि रुक जा बुड्ढी इस सूप का मजा मैं तुम्हें जगाती हूँ। तो वो अपना सूप उठाकर जाती है करण की मॉम के पास और उनसे एक्सचेंज कर लेती है। उन्हें कहती है कि सूप की ज्यादा जरूरत तो आपको है क्योंकि इसे पीने से आपके लुढ़के हुए गाल सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखकर डैडी जी भी उन्हें फोर्स करते हैं उस सूप को पीने के लिए। अब उनके पास कोई रास्ता होता नहीं है इसलिए उन्हें पीना ही पड़ता है। तो सूप बहुत ही ज्यादा स्पाइसी था जिस वजह से उनके तन बदन में तो आग ही लग जाती है। तो पहले आइटम का स्वाद तो मम्मी जी को मिल ही गया। अब पेश करते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा आइटम कीड़ा मकोड़ा फ्राई जिसे देखकर दाऊ तो चेयर छोड़ के उड़ जाती है। ये देखकर तीन तिगड़ी और सर्वेंट उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि दाऊ डर गई। तो रोज कहती है मुझे लगा कि तुम्हें वेस्टर्न फूड पसंद होगी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास ही बनवाया। तो करण उस डिश को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है पर दाऊ कहती रुक जाओ मैं डर के मारे चेयर से नहीं उठी थी बल्कि ये तो मेरा फेवरेट डिश है इसलिए मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो दाऊ खाती है उन्होंने कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है ये तो आपको भी टेस्ट करना चाहिए। ये कहकर वो सबसे पहले डैडी जी को इस डिश का स्वाद चखाती है। उनके शक्ल पे तो 12 बज जाते हैं जिसके बाद दाऊ एक मुट्ठी भर के उस सर्वेंट के मुंह में ठोस देती है जिसने उसे ये खाना परोसा था और फिर एक एक करके मम्मी जी को रोज को और शान को एक एक मुट्ठी कीड़ा मकोड़ा फ्राई ठोस देती है और सबकी शक्ल देखने लायक बना देती है और हमारा छोटू और का तो हंस हंस के पागल हुए जा रहा था। तो इस स्पेशल डिश को खाने के बाद सभी को जबरदस्त उल्टियाँ होती है। तो करण दाऊ से कहता है कि तो तुम और का मिले हुए थे। दाऊ कहती है अगर उसने मुझे नहीं बताया होता तो अभी मेरी ऐसी हालत हो रही होती। तो करण कहता है सच में यार तुम बहुत ही ज्यादा सूटेबल हो और का की मॉम बनने के लिए और फिर दोनों की फ्लर्टिंग शुरू हो जाती है। पर दाऊ इतनी आसानी से कैसे पटने वाली थी। इधर तीन तीड़ी की टोली दाऊ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। माताश्री तो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी वो किसी भी हाल में दाऊ को अपने घर में एंट्री नहीं देने वाली थी। पर डैडी जी कहते हैं कि उसको छोड़ो अगर उसने जैसा कहा उस हिसाब से अगर वो इतनी अमीर हुई तो सोचो उनके साथ जुड़ जाने से हम कितने अमीर हो जाएंगे। रोज कहती है मुझे लगता है कि वो तो बस फेंक रही थी। मम्मी जी भी कहती है कि मैंने भी उसकी फैमिली का नाम कभी भी नहीं सुना। तभी वहाँ और का आता है और कुछ खाते हुए उसके गले में खाना फंस जाता है जिस वजह से वो तड़पने लग जाता है। तो सभी लोग भागकर उसके पास आते हैं। दाऊ और करण भी भागकर आते हैं। दाऊ अपने तरीके से उसके गले से खाना निकालती है। करण की तो जान ही निकल गई थी एक सेकंड के लिए। ये देखकर दाऊ तो करण को ही देखने लग जाती है जिसे देखकर हमें तो यही पता चलता है कि करण के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो गया था जिसके बाद करण दाऊ को ही याद कर रहा था। और का भी नींद में दाऊ का नाम लेते हुए मुझे छोड़ के मत जाना बड़बड़ाने लग जाता है। ये सुनकर करण कहता है कि मैं दाऊ को कभी भी तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। इधर जान करण के दिए हुए चेन को देखकर रोने लग जाती है।
पर तभी उसके डैड उसे बुलाने आते हैं तो वो उन्हें कहती है कि वो अब से मलाकर दाव की तरह एक काम करेगी। इधर करण और काकी नैनी को एक लंबी छुट्टी पे भेज देता है जिसके बाद वो तो बड़ा ही खुश हो रहा होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये दाव को उसके घर बुलाने का प्लान है जिसमें ओरका भी उसका साथ दे रहा था। तो ओरका दाव से ऐसे बात करता है कॉल पे जैसे कि वो बीमार हो, तो इस वजह से दाव उससे मिलने आने के लिए मान जाती है। पर दैन को उसकी फिक्र होती है इसलिए वो उसे एक टैरो कार्ड भी करवाती है, उसे देख के वो परेशान हो जाती है। जिसके बाद दाव पहुंच जाती है करण के घर, ओरका उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। करण अपना नाटक शुरू कर देता है, सबसे पहले तो वो उसे थैंक यू कहता है कि ओरका की जो नैनी थी वो अपने एक इम्पोर्टेंट काम के लिए उसके गांव चली गई है और वो कब वापस लौट के आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और मुझे भी अब से सारा टाइम ऑफिस में ही रहना होगा, इसलिए पता नहीं मेरे बेचारी ओरका का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मुझे अपने घर के किसी पे भी भरोसा नहीं है। इसलिए क्या तुम ओरका का ध्यान रख सकती हो? तो दाव सोचने लग जाती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है, तो यहाँ आने से पहले जो कार्ड दाव ने चूज किया था उसके हिसाब से दाव को सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि उसके एक फैसले से उसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। बैक टू प्रेजेंट, दाव ओरका का ध्यान रखने के लिए मान जाती है। करण तो बड़ा ही खुश हो जाता है। देन वो अपनी फैमिली को इस बारे में बताता है कि अब से दाव ओरका का ध्यान रखने के लिए उसके घर आने वाली है। अब ऑब्वियस सी बात है कि तीन तीड़ी इसके लिए मना कर देती है। तो करण से पूछता है फिर क्या आप में से कोई उसका ध्यान रखने के लिए तैयार है? इस पे सभी लोग अपना मुंह फेर लेते हैं, तो बात पक्की हो जाती है। पर तीन तीड़ी तो अभी भी परेशान थे, तो शान उनसे कहता है कि ये तो अच्छा ही होगा कि वो हमारे साथ रहने के लिए आ रही है, क्योंकि इससे हम लोग उस पर अच्छी तरह से नजर रख सकेंगे और करण को उसका असली चेहरा दिखाएंगे। इधर दैंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती, तो दाव से समझाती है कि वो जितना करण के पास रहेगी उतनी ही जल्दी करण इसके प्यार में पागल होगा और तभी तो मजा आएगा ना भिड़ू उसे डंप करने में, ताकि उसे भी पता चले कि जब किसी का दिल टूटता है तो कैसा महसूस होता है। पर दाव के जाने से पहले दैंग उससे एक और बार टैरो कार्ड चूज करवाती है, पर वो उस कार्ड को बिना देखे ही चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो कार्ड डेथ कार्ड था, जिसे देख के दैंग तो काफी घबरा जाती है। तो दाव पहुंचती है करण के घर, करण उसे अपने रूम के बगल वाले रूम में शिफ्ट होने के लिए कहता है, पर दाव कहती है कि वो ओरका के रूम में रहेगी। इस पे करण कहता है कि तुम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहोगी, इसलिए तुम मेरे बगल वाले रूम में आ जाओ, उसमें तुम आराम से रहना। जिस पे दाव उसे कहती है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा या फिर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं ओरका का ध्यान रखने के लिए आई हूं, इसलिए मैं उसी के साथ रहूंगी। तभी उसका स्वागत करने के लिए नाटक मंडली हाजिर हो जाती है और झूठा प्यार दिखाने लग जाती है और उसे कहती है कि उन्हें बड़ी खुशी हुई कि वो ओरका का ध्यान रखने के लिए उनके घर आ गई। जिस पे दाव कहती है कि अब से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपका ख्याल रखूंगी और पिछली बार से भी अच्छे अच्छे डिशेज बनाकर खिलाऊंगी। ये सुन के उनके फेस का रंग ही उड़ जाता है। तो दाव घर के अंदर जाती है, नाटक मंडली अपनी प्लानिंग शुरू करने लग जाती है और माताजी के दिमाग में कुछ तो शैतानी प्लान चल रहा था, जिस वजह से वो कहती है कि इस बार वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तो हम करण को देखते हैं जो दाव से कहता है कि ये अब से हमारा बेडरूम है। तो दाव कहती है इसमें तुम कहां से आ गए? तो करण कहता है मैं हर रोज ओरका के साथ ही सोता हूं, इस हिसाब से तो ये मेरा भी बेडरूम है। पर ओरका कहता है कि डैड झूठ बोल रहे हैं, ये तो कभी भी मेरे साथ नहीं सोते, बस मेरे सोने का इंतजार करते हैं और चुपचाप से निकल जाते हैं। तो करण ओरका को चुप कराने लग जाता है। इधर हमारी नाटक मंडली तो दाव के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, तभी वो नोटिस करते हैं कि काफी देर हो चुकी है पर अभी तक करण के डैड और शान घर वापस नहीं लौटे हैं। तो रोज और मॉम दोनों ही परेशान हो जाती है। इधर करण तो ओरका के रूम से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेता, वो बार बार उसी के रूम में उसके साथ सोएगा, इस बात की जिद लगाया बैठा था। तो दाव उसे कहती है कि अगर तुम यहीं पे सोना चाहते तो मेरा यहाँ पे क्या काम, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। ये कह के वो अपनी ट्रॉली उठा के जाने लगती है। तो दोनों बाप बेटे मिलकर उसे रोकने लग जाते हैं, इस चक्कर में ट्रॉली से उसके कपड़े बाहर निकल जाते हैं। तो दोनों उसकी मदद करने लग जाते हैं, पर दाव करण को मजा चखाने के लिए उसका हाथ ट्रॉली में फंसा देती है। तो काफी देर बाद शान और करण के डैड घर वापस आते हैं, जिन्हें देख कर लग रहा था कि वो किसी से पिट कर आए हैं। तो दोनों अपना चेहरा वेहरा सही करके पहुंच जाते हैं अपने अपने बीवियों के पास और बहाना मानने लग जाते हैं कि वो लोग काम की वजह से इतना लेट हो गए। फिर जब उन्हें पता चलता है कि उनके घर में रहने के लिए दाव आई है तो दोनों ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, जिस वजह से उनके रिस्पेक्टेड बीवियां उनके कान मल देती है। इधर हमारा श्याव दैंग को इम्प्रेस करने के लिए उसके मम्मी पापा को उसके घर छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि उसके पापा ने उसे धमकी दे रखी थी कि अगर उसने दैंग से शादी नहीं की तो वो उसकी मॉडलिंग कंपनी को बंद करवा देंगे। श्याव कहता है कि वो दैंग से प्यार करने लगा है। दैंग पूछती है कल तक तो तुम मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, फिर आज अचानक तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? तो श्याव उसे कहता है कि जिस दिन मैं तुम्हारे ऊपर गिरा था उस दिन मैं तुम्हारे प्यार में भी पड़ गया था। पर दैंग उसका मजाक उड़ाकर चली जाती है। इधर रात को करण के डैड ओरका के रूम के बाहर जाकर दाव को बुलाने के लिए सीटी बजाने लग जाते हैं, तभी अंदर से भी कोई सीटी बजाता है। तभी हमें पता चलता है कि सीटी तो करण बजा रहा था नीचे से। टूट कर वो अपने डैड को बड़े ही प्यार से वार्न करता है कि दाव सिर्फ मेरी और उसकी तरफ तो अब नजर भी मत देना, वरना अभी मैं मॉम को बुला दूंगा। तो मॉम का नाम सुनके वो चुपचाप से खिसक लेते हैं और करण दाव को गार्ड करने के लिए दरवाजे के बाहर ही सो जाता है। अंदर दाव जो उनकी बातें सुन रही थी वो कहती कि अभी तो सिर्फ तुम्हारी रातों की नींद उड़ाई है, पर आगे इससे भी बुरा होने वाला है। सुबह ब्रेकफास्ट पे वो सभी को काफी देर तक वेट कराती है और फिर एक शॉर्ट ड्रेस पहन के आ जाती है, तो सभी लोग उसे देखने ही लग जाते हैं। तो करण उसे अपना सूट पहना देता है और फिर नाटक मंडी को गुस्सा दिलाने के लिए
लिए करण के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। तो ऑफिस में शान रिन के साथ बदतमीजी करने लग जाता है, जो कि उन्हें एक कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए आई थी, पर करण आके उसे बचाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रिन को दाव ने ही करण की जासूसी करने के लिए यहाँ भेजा था। इधर रात को सभी लोग दाव के आने का इंतजार करते हैं। करण भी घर लौट आता तो सभी लोग उसे सुनाने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद दाव आती तो वो लोग उससे पूछने लग जाते हैं। तो दाव बताती कि वो जिम गई थी। तो दाव उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहती है कि वो यहाँ के लोगों की तरह अनफिट नहीं रहना चाहती। ये सुन के माता जी को तो बड़ा गुस्सा आता है। वो उसे पूछती है कि तुम मुझसे बिना पूछे ऐसे कैसे बाहर जा सकती हो, जबकि तुम यहाँ ओरका का ध्यान रखने के लिए आई हो। जिस पे दाव कहती कि इसीलिए मैं ओरका से ऑलरेडी परमिशन लेके गई थी, और क्योंकि मैं ओरका की नैनी हूँ तो मुझे आपसे पूछने की तो जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। देन दाव ओरका को सुलाने के बाद जब दरवाजा खोलती है तो करण जो कि दरवाजे पे ही लटका हुआ था वो अंदर आ जाता है। दाव से पूछने लग जाता है कि वो किसके साथ गई थी और कहाँ गई थी। तो दाव कहती कि तुम्हें मुझसे ये सब पूछने का कोई हक नहीं है। तो करण कहता है पर मैं तो वो हक चाहता हूँ। जिस पे दाव कहती कि इसके लिए तुम्हें मुझे अपने प्यार में गिराना होगा। जिस पे करण कहता है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। दाव कहती पर मैं इतनी आसान से तुम्हारे प्यार में पड़ने वाली नहीं हूँ। करण कहता है वो तो वक्त ही बताएगा। तो अगले दिन दाव और करण मिलकर सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो करण ओरका और दाव की एक फोटो पोस्ट करता है, जो इधर जान देख लेती है, पर उस फोटो में दाव का फेस नहीं दिख रहा था। पर उस फोटो को देखकर जान को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी उसके डैड वहाँ पहुँच जाते हैं, उसे डांटने लग जाते हैं और जल्दी से उस करण के बारे में भूल जाने के लिए उसे कहते हैं। पर जान कहती कि वो उसे नहीं भूल सकती क्योंकि वो उसका पहला प्यार है। ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर सैंग ने तो ऑलरेडी शानू और दाव की शादी फिक्स कर रखी थी। तो इधर ओरका करण और दाव ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं, तभी वहाँ बाकी सब पहुँच जाते हैं। मामू से कहते हैं कि क्या तुम्हारे अमीर पेरेंट्स ने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाया है कि घर के ओनर से पहले खाना नहीं खाना चाहिए। तो दाव को डिफेंड करते हुए करण की शान और रोज से अनबन होने लगती है। इसमें मॉम कहती है कि जब से ये लड़की हमारे घर आई है तब से हमारे घर की शांति ही चली गई है। तो मॉम दाव से कहती है कि वो सब छोड़ो, मैंने सुना कि तुम अच्छा खाना बना लेती हो, तो क्योंकि तुम हमारे घर में फ्री में रहती हो तो हमारे लिए तुम खाना तो बना ही सकती हो। करण कुछ बोलने जाता है पर उससे पहले दाव कहती है जरूर क्यों नहीं, आप सभी के लिए तो मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। तो दाव किचन में जाके खाना बनाती है पर उसमें वो कुछ मिला देती है। तो दाव खाना लेकर बाहर आती है और सभी को परोसती है। मॉम पूछती है कि आखिर तुमने इसमें क्या मिलाया है। तो दाव ने इंग्रेडिएंट्स की नाम बताने लग जाती है। तो मॉम कहती है अगर ऐसी बात हो तो सबसे पहले तुम ही खाओ। पर दाव कहती है उसने ऑलरेडी खा लिया है। पर मॉम तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। वो कहती है जब तक ये नहीं खाएगी तब तक कोई भी नहीं खाएगा, और अगर इसने खाने में कुछ नहीं मिलाया तो इससे प्रूफ भी हो जाएगा। तो दाव खाने जाती है पर करण उसके हाथ से छीनकर खुद ही खा लेता है और बाकी सारा खाना फेंक देता है। उन्हें ये कहकर अगर अभी तक आपको डाउट है तो ये खाना आपको भी नहीं खाना होगा, ये कहकर वो अपने रूम चला जाता है। तो बाकी सब मिलकर थोड़ा सा बचा हुआ खाना सर्वेंट को जबरदस्ती खिलाने लग जाते हैं। पर डैड उन्हें कहते हैं ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि करण बिल्कुल ठीक है और दाव ने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया था। वहीं हम देखते हैं करण की तो हालत ही खराब हो गई थी बाथरूम जा जाकर, क्योंकि दाव ने उस खाने में पेट खराब करने की दवाई डाल दी थी, पर इसकी वजह से करण की तबीयत खराब हो जाती है। तो दाव को उसके लिए बुरा लगता है। इधर हमारी दैंग शाव को किसी लड़की के साथ देखती है तो वो उसे मजा चकाने के लिए एक प्रेग्नेंट लेडी बन के जाती है उस लड़की के सामने, और शाव के सामने रोने लग जाती है कि वो उसे कैसे धोखा दे सकता है जबकि उनका बच्चा भी होने वाला है। तो वो लड़की शाव को एक खींच के थप्पड़ मारती है और चली जाती है। तो शाव उसे रेस्टोरेंट के बाहर ले जाता है, पर दाव का उसे तंग करके अभी भी मन नहीं भरा था तो वो शाव को पब्लिक की धुलाई खिलाने के लिए उसके गले लगकर चिल्लाने लग जाती है कि वो उसे छेड़ रहा है। उसकी आवाज सुनकर पब्लिक वहाँ आने लग जाती है। तो शाव वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है। इधर करण का तो बहुत ही फीवर आ गया था तो ओरका उसकी केयर कर रहा था। तो करण कहता है तुम्हें अब सोने जाना चाहिए क्योंकि वहाँ दाव अकेली होगी, पर दाव तो उनके रूम के बाहर से उन्हें देख रही थी। तो ओरका कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। बाप बेटे का प्यार देख कर दाव रूम में आ जाती है। तो ओरका उसे अपने डैड का ख्याल रखने के लिए कहकर अपने रूम चला जाता है। तो दाव करण की केयर करने लगती है। तो करण पूछता है तुमने खाने में कौन सी ड्रग मिलाई थी जो मेरी ऐसी हालत हो गई। दाव कहती है मैं तो बस तुम्हारी फैमिली के साथ मजाक करना चाहती थी पर मैंने गलती से पूरी बोतल डाल दी थी खाने में, इसलिए उसका असर कुछ ज्यादा ही हो गया। तो दाव पूछती क्या तुम मुझसे नाराज हो। करण कहता है बिल्कुल नहीं क्योंकि मेरी फैमिली ने ही पहले तुम्हें बुली किया था। तो दाव पूछते फिर भी तुम्हें वो खाना खाने की क्या जरूरत थी। इस पे करण कहता है कि अगर मैं नहीं खाता तो वो तुम्हें खाना पड़ता और तुम्हारी हालत खराब हो जाती जो मैं देख नहीं सकता। तो फाइनली यहाँ करण भाई अपने प्यार का इजहार कर देते हैं कि तभी भाई को बाथरूम का अर्जेंट बुलावा आता है। तो करण भाई रेंगते हुए बाथरूम के अंदर चले जाते हैं जिसे देखकर दाव तो हंसने ही लग जाते हैं। तो अगले दिन दाव करण को खाना पहुंचाने के बहाने से उसके ऑफिस जाती है, जिसके बारे में रिसेप्शनिस्ट याडा को कॉल करके बता देती है। करण तो उसे देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है, हमेशा की तरह फ्लर्ट करने लग जाता है। तो करण के केबिन से निकलते ही दाव की मुलाकात होती है याडा की टोली से, और यहाँ होती है उनके बीच का सबसे आइकॉनिक फाइट जिसका मजा सारे ऑफिस वाले उठा रहे थे और सभी लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। वहीं बहती गंगा रोज और शान भी अपने हाथ धो लेते हैं और रोज शान को भी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कहती है। तो इस बार याडा के साथ उसकी मैनेजर भी मैदान में उतरती है और दाव उसे भी अच्छा मजा चखाती है। तो उनकी लड़ाई चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी, तभी बाहर की शोरगुल सुनकर करण अपने केबिन से बाहर निकलता है। उसे देख के दाव तुरंत इनोसेंट बनने का नाटक करने लग जाती है और मार खाने लगती है। तो करण आके उसे बचाता है और याडा
बंदा को डांट के दाऊ को अपने साथ ले जाता है और सभी को वीडियो डिलीट करने के लिए कह देता है, वरना उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। पर रोज इस वीडियो को अपने फायदे के लिए यूज करने के बारे में सोच रही थी। इधर दाऊ करण से गुस्सा होने का नाटक करने लग जाती है, उसे कहती है तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बार चोट लगी है, इसलिए तुम्हें मुझसे रिलेटेड हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और हमारे करण भाई तो यही चाहते थे। तो करण खुशी खुशी हाँ कर देता है। तो रात को दाऊ करण के रूम में जाती है और उनके जमीन के एग्रीमेंट को ढूंढने लग जाती है। पर उस एग्रीमेंट को ढूंढते हुए उसे एक किताब मिलती है जिसके अंदर एक गुलाब का फूल मिलता है। तभी करण भी वहाँ पहुँच जाता है, दाऊ पर गुस्सा करने लग जाता है उस फूल को छूने की वजह से, क्योंकि वो फूल उसके लिए बहुत ही खास था। अब ऐसा क्यों इसके बारे में तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। तो दाऊ गुस्से से बाहर आ जाती है। तो अगले दिन दाऊ वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए जाती है, पर मम्मी जी की चमची ने सारे वॉशिंग मशीन फुल कर रखे थे। ऊपर से शान आकर कुछ और कपड़े उन्हें दे देता है और शान तो दाऊ को ही देखने लग जाता है। ये नोटिस करने पर दाऊ बाहर कपड़े धोने के लिए जाती है, उसके पीछे पीछे शान भी जाता है। तो दाऊ अपना नाटक शुरू कर देती है, वो कहती है मुझे इतने सारे कपड़े अकेले ही धुलने पड़ेंगे, काश मेरी कोई मदद कर देता। तो शान उछलते हुए पहुंच जाता है उसकी मदद करने के लिए। तो शान उसे पानी से भिंगाने लग जाता है, तो दाऊ भी उसे अच्छी तरह से पानी में भिंगा देती है। शान तो एक्साइटमेंट में उसे गले ही लगा लेता है, पर तभी वहाँ चमची रोज को बुलाकर ले आती है। तो उसे देखकर शान कहने लगता है कि दाऊ मुझे सीड्यूस कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो रोज दाऊ से लड़ने ही जा रही थी कि दाऊ उस पे डिटर्जेंट मिक्स वाला पानी फेंक देती है और सबको अच्छी तरह से पानी पिला पिला कर धुल देती है। तो इधर याडा की वो फाइट वाली वीडियो वायरल हो गई, जिसकी वजह से उसे उसके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। इसकी वजह से उसे दाऊ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब प्लान दाऊ का ही बना हुआ था। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए वो जाती है रोज के पास। तो रोज भी उसे यही कहती कि ये पूरा प्लान दाऊ का ही था, जबकि वो वीडियो खुद रोज ने ही पोस्ट करवाया था। तो रोज याडा को अपने टीम में शामिल कर लेती है, उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए भी कहती है। इधर दाऊ जब सानू से बात करी होती तो उनकी बातें चमची सुन लेती है और मम्मी जी को जाकर बता देती है कि उस दाऊ का एक ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो फोन पे बात करती रहती है। तो मम्मी जी कहती है करण को तो इस बात पे बिलीव होगा नहीं, इसलिए हमें प्रूफ ढूंढना पड़ेगा। तो चमची दाऊ के रूम में जाती है, उसे कहती है कि उसे मम्मी जी बुला रही है। तो दाऊ के जाने के बाद वो दाऊ का फोन उठाकर मम्मी जी के पास पहुंच जाती है। तो दाऊ के फोन में कोई लॉक नहीं था, इस वजह से वो उसके कॉल रिकॉर्ड्स, फोटोज और मैसेजेस चेक करने लग जाती है, और उसके फोन में कोई भी कॉल रिकॉर्ड्स या फिर मैसेजेस नहीं थे। तभी पीछे से दाऊ आ जाती है और उनसे उसका मोबाइल मांगने लग जाती है। तो मम्मी जी उसे सच सच बताने के लिए कहती है कि आखिर वो किस इरादे से करण के करीब आई है। दाऊ कहती है क्योंकि मुझे करण चाहिए इसीलिए। तो मम्मी जी उसका फोन हाथ से छोड़ देती है, जिस वजह से उसका फोन टूट जाता है, और दाऊ से कहती है सॉरी हाथ से फिसल गया। तो दाऊ कहती है कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरी जैसी लड़कियां सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करवाती है। ये कहकर वो मम्मी जी के फोन की तरफ जाती है और उसे उठाकर दूर पटक देती है और उनसे कहती है कि सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने गलती से जानबूझ के फेंका है। ये कहकर वो अपना टूटा फोन उठाकर चली जाती है। तो रात को इस बारे में चर्चा करने के लिए माता जी बैठक बुलाती है और करण को शिकायत लगाती है कि दाऊ ने उसका फोन तोड़ दिया, पर करण को तो बिलीव ही नहीं होता। तो चमची उसे एज ए प्रूफ वन साइडेड स्टोरी सुनाती है कि दाऊ अचानक आई और मम्मी जी का फोन उठाकर पटक दिया, फिर भी करण को बिलीव नहीं होता। तभी वहाँ दाऊ पहुँचती है जो कि मम्मी जी के लिए मार्केट का सबसे महंगा मोबाइल लेकर आई थी, जिसे देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। तो दाऊ कहती है कि मम्मी जी के चमची से गलती से उनका फोन टूट गया, इसलिए वो मम्मी जी के लिए सबसे महंगा मोबाइल लेकर आई। तो अब और कोई दाऊ के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाता। तो मम्मी जी जो अब तक मोबाइल देखकर चुपचाप थी, वो रूम में आकर डैड से कहते हैं कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा चालू है, वो करण के सामने बहुत ही भोली बनने का नाटक करती है और हमारे सामने शैतान, पर उसका असली चेहरा तो मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। इधर हम दाऊ को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा दुखी होकर बैठी हुई थी, क्योंकि उस फोन को खरीदने के चक्कर में उसका बैंक बैलेंस खाली हो गया था। इधर शाह अपने भाई के पास एक लड़की की फोटो देखते हैं जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो उसे अपने मॉडलिंग एजेंसी में हायर करना चाहता है। तो वो अपने भाई से उस लड़की का नाम पता लेता है, हमें पता चलता है वो लड़की शानू की कॉफी शॉप में काम करती है। इसके बाद हमें रिन को दिखाया जाता है, जिसे अब करण पसंद आने लगा था। तो वो अपने आप से कहती है कि अगर मैं भी ब्यूटीफुल हो जाऊंगी तो वो भी मुझे पसंद करेगा, क्योंकि पिछली बार करण ने उसकी काफी तारीफ की थी जबकि शान ने उसके फेस का मजाक उड़ाया था। तभी उसे स्थानागुण कंपनी से कॉल आता है कि उसे जॉब मिल गई है। तो करण रिन को रिसेप्शनिस्ट का असिस्टेंट बना देता है और शाहू करण को अपने साथ ले जाता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। तो दोनों पहुंच जाते हैं शानू के कॉफी शॉप में। तो पहले शाहू उस लड़की के पास जाता है उसे बात करने के लिए, पर वो लड़की उसे कोई भाव ही नहीं देती, पर उस लड़की को करण बड़ा ही पसंद आ जाता है। तो शाहू करण से ही उस लड़की को मनाने के लिए कहता है, पर तभी कॉफी शॉप के अंदर से जान बाहर आती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और इस बात की खबर मिस्टर सैंग के पास भी पहुंच जाती है, जिसके बाद करण जान से अकेले बात करने के लिए जाता है। उसे माफी मांगता है और उसे कहता है कि अगर उसे कोई भी चीज चाहिए तो वो उसे देने के लिए तैयार है, चाहे जितने भी पैसे वो चाहती हो। पर जान कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ करण से प्यार करती है। पर करण कहता है कि वो उसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से प्यार करता है। ये सुन के दाऊ रोने लग जाती है। उसी वक्त गन लेके पहुंच जाते हैं मिस्टर सैंग। तो दाऊ उन्हें गोली चलाने से रोकती है, उन्हें कहती है कि इसने जो मेरे साथ इसकी सजा इसे भगवान जरूर देगा। तो मिस्टर सैंग उसे वार्न करते हैं कि अगर दोबारा से उसने अपनी शक्ल उन्हें दिखाई तो सीधा उसे ठोक देंगे, पर इसकी वजह से हमारी जान तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और करण के पोस्ट किए हुए उस फोटो में जो लड़की थी, यानी कि दाऊ, जिसके बारे में जान को कोई खबर नहीं है, तो जान उस लड़की को बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाती है। तो जब दाऊ को इस बारे में पता चलता है तो वो जान को कॉल करती है, जान उसे बताती है कि करण किसी और लड़की से प्यार करता है, पर वो अभी भी करण से ही प्यार करती है। जान बहुत ही ज्यादा रो रही थी ये कहते हुए, इसकी वजह से दाऊ को भी करण पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। रियाडा मम्मी जी से मिलने के लिए आती है, मम्मी जी भी उसे अपनी टीम में शामिल
कर लेती है। तभी दाऊ घर में एंट्री मारती है, रोज उसे रोकती है तो दाऊ उससे कहती है कि तुम यहाँ कैसे। फिर रोज कहती है कि मैं यहाँ जो भी कर रही हूँ इसे तुम्हारा किया जाता है। दाऊ कहती है इसमें मेरा तो कुछ जाता नहीं है, पर ये घर मेरे करण का है इसलिए मैंने तुमसे पूछा। ये सुनकर मम्मी जी को तो बड़ा ही गुस्सा आता है, तो वो दाऊ से कहती है कि अब से रोज हर रोज मुझसे मिलने के लिए आएगी। तो रोज कहती है ताकि हम सब मिलकर इस दाऊ नाम की घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। हम ओरका को देखते हैं जो याडा और उसके मैनेजर को सबक सिखाने के लिए उन्हें अपने साथ खेलने के लिए इन्वाइट करता है। तो ओरका उन दोनों के आंखों में पट्टी पहनाकर हाइड एंड सीक खेलने लग जाता है, पर ऐसा सिर्फ उन दोनों को ही लग रहा था क्योंकि ओरका तो अपनी गुलेल से लाल चींटियों वाले झाड़ पे पत्थर मारता है और उसे ऐसा करते हुए दाव देख लेती है। तो उन दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर मम्मी जी और उनकी चमची बाहर आती है, तो वो दोनों उनके साथ भी कुछ लाल चींटियों वाले झाड़ शेयर करती है। चींटियां उन चारों के चेहरों का नक्शा ही बिगाड़ देती है। तो दाव ओरका को डांट लगाती है, उसे कहती है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि दाव ने ही उसे गुलेल चलाना सिखाया था। पर ओरका कहता है कि उसने ये सब दाव को प्रोटेक्ट करने के लिए किया क्योंकि वो सभी दाव को यहाँ से निकालने का प्लान बना रहे थे। तो ये सुनकर दाव खुश होती है। इधर मम्मी जी करण से दाव को इस घर से निकालने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब दाव ने किया है, और दाव भी ये मान लेती कि उसी ने ये सब किया है। तो मम्मी जी दाव को खींच के एक थप्पड़ लगाती है और उसे घर से निकाल जाने के लिए कहती है, पर तभी ओरका पहुंच जाता है और वो सभी को बताता है कि उसने ये सब किया है। और वो दाव को गले लगाकर रोते हुए कहता है कि कोई भी दाव को घर से नहीं निकालेगा क्योंकि वो दाव से दूर नहीं रह सकता। करण भी दाव के प्रति ओरका के अटैचमेंट को देखते हुए उसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ओरका किसी भी लड़की को इतना पसंद करेगा, इसलिए वो दाव से ओरका की मॉम बन जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पर दाव को अपनी बहन का रोता हुआ चेहरा याद आता है, तो वो चेहरे पे फेक स्माइल कर उसे कहती है पर उसके लिए तुम्हें मेरे चैलेंज को पूरा करना पड़ेगा। तो करण कहता है वो तो मैं जरूर कर लूंगा, ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। डैड करण को एक रिसोर्ट का प्रोजेक्ट देते हैं जो कि जान से धोखे से ली हुई जमीन पे बनने वाली थी, पर इसके लिए करण मना कर देता है क्योंकि उसे अब गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ देता है, जिसकी वजह से डैड उस पे काफी गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसकी जगह पर रोज को कंपनी का प्रेसिडेंट बना देंगे। तो रोज और शान जो कि बाहर से उनकी बातें सुन रहे थे करण को गुस्सा दिलाने के लिए उसे चढ़ाने लग जाते हैं, पर करण अपने आप को कंट्रोल करता है और शान काम के बहाने से किसी से मिलने के लिए जाता है। इधर दाऊ जो दंग के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी वो मॉल के बाहर शान को किसी लड़की के साथ देखती है, तो वो उसकी बैंड बजाने के लिए उसकी फोटोज खींचने लग जाती है और उन दोनों का पीछा करते हुए एक होटल तक पहुंच जाती है जहां वो चुपके से उनकी वीडियो भी बना लेती है। और इससे पहले कि शान उसे पकड़ लेता वो दैंग के साथ निकल जाती है और दैंग से कहती है कि इसके बाद तो घर में जबरदस्त झगड़ा होगा। इधर ऑफिस में कोई भी जिन के साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहता था, ये देखकर करण उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करता है और उसे दूसरों की बातों को इग्नोर करके बस खुश रहने के लिए कहता है, और इसकी वजह से रिन को करण अच्छा लगने लगता है। दाऊ ऑफिस आती है तो शान उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है, तो दाऊ से उसका वीडियो दिखाकर कहती है कि अगर तुमने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो ये वीडियो तुम्हारी वाइफ तक पहुंच जाएगी। जिसे देखकर शान तो शॉक्ड रह जाता है, तो वो उसे उसका फोन छीने लगता है। दाऊ उसे अपना फोन नहीं देती तो शान उसका मुंह बंद करके एक केबिन में ले जाता है जहां उसे धमकी देता है कि अगर उसने अपना फोन उसे नहीं दिया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। पर दाऊ उसे फोन नहीं देती और वहां से निकलने की कोशिश करती है, तो शान उसे फोर्सफुली उसका फोन छीने लग जाता है। उसे वक्त करण आवाज सुनकर वहां पे आ जाता है और शान की अच्छी खासी धुलाई करके उसे अपनी बहन के पास ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है। पर शान उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा लेता है, उसे बताता है कि दाऊ उसे सीडियोस कर रही थी, रोज भी उसकी बातों पे बिलीव कर ली थी और करण को ये उल्टा सीधा बोलने लग जाती है कि वो उसकी बदनामी करके कंपनी का प्रेसिडेंट पोजीशन पाना चाहता है। तो करण दाव को लेके चला जाता है और उसे सॉरी कहता है। तो कल दाव का बर्थडे इसीलिए मिस्टर सैंग उसे सरप्राइज देने के लिए सबके साथ बैंकॉक जाने का प्लान बनाते हैं। और इधर करण दाव और ओरका मिलकर साधु को खाना दान करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, जिसके बाद बाप बेटे मिलकर दाव का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान करते हैं। इस बारे में जब दैंग को पता चलता है तो वो दाव को बताती है कि अभी उसका टाइम सही नहीं चल रहा है, इसलिए जाने से पहले दैंग उसे एक बार मिलने के लिए बुलाती है। इधर बाप बेटे तो ट्रिप के लिए फुल तैयारी में लग जाते हैं। तो सब तैयारी करने के बाद वो सभी ट्रिप के लिए निकल ही रहे थे कि दाऊ को याद आता है कि उसे तो दैंग ने बुलाया था, तो वो कैमरे का नाम लेकर दैंग के पास जाने की बात करती है। फिर करण कहता है कि तुम्हें अकेले जाने की क्या जरूरत है, हम सब वहाँ से कैमरा लेकर ट्रिप के लिए चले जाएंगे। तो दाऊ के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हीं के साथ चली जाती है। दाऊ के डैड भी जान और शानू के साथ पहुंच चुके थे बैंकॉक, और वो लोग भी दैंग के घर की तरफ ही आ रहे थे, पर उन तीनों में से किसी को भी दैंग का प्रॉपर एड्रेस पता नहीं था। पर शानू कहता है कि उसे थोड़ा थोड़ा याद है तो वो उसका घर ढूंढ लेगा। तो दाऊ सभी के साथ दैंग के घर पहुंच जाती है और वो उन्हें गार्डन में वेट करने को कहकर दैंग के साथ अंदर चली जाती है। तो दैंग कुछ मंत्र फूंक फांक के दाऊ के हाथ पे एक धागा बांध देती है और उसे बताती है कि ये धागा उसकी रक्षा करेगा, इसलिए वो उसे कभी ना उतारे। और जब शानू बताता है कि वो लोग दैंग के घर पहुंच चुके हैं, इधर करण और का जो कि गार्डन में थे उन्हें मेन गेट से घंटी की आवाज सुनाई देती है। तो करण जाकर गेट खोलता है पर वो तो कोई और था, और इधर शानू भी किसी दूसरे का घर पहुंच गया था। तो जान दैंग को कॉल करती है, उसका कॉल देखकर दैंग सभी को भगाती है जल्दी से, उसके बाद कॉल पिक करती है। तो जान उसे बताती है कि वो लोग बैंकॉक आ चुके हैं दाऊ को सरप्राइज देने के लिए, पर वो ये बात दाऊ को ना बताए। तो दैंग उन्हें झूठ बोल देती है कि दाऊ तो एक सेमिनार में गई है जो कि बहुत ही दूर एक पहाड़ी में हो रही है और वो एक दो दिन बाद ही लौटेगी। तो मिस्टर सैंग सैड होकर घर के लिए निकलते हैं, पर ट्रैफिक में जान करण को देख लेती है, पर लकीली उसे दाऊ का चेहरा नहीं दिखता। इधर रिन करण के ऑफिस में चली जाती है जान का साइन किया हुआ एग्रीमेंट ढूंढने के लिए जो कि उसे दाऊ ने करने के लिए कहा था। पर शान उसे करण के केबिन में देख लेता है, तो वो उस पे चोरी का इल्जाम लगाने लग जाता है और चोरी का सामान ढूंढने के बहाने वो उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है। रिन उसे कहती है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया, पर शान उसकी कोई भी बात नहीं मानता है, उसे पुलिस में देने की धमकी देता है, पर एक शर्त पे वो उसे छोड़ सकता है, जो भी उसे करने के लिए कहेगा वैसा उसे करना पड़ेगा। तो पुलिस के नाम से रिन बहुत ज्यादा डर गई थी इसलिए वो मान जाती है। इधर रास्ते के बीचों बीच एक भैंस की वजह से
कर्ण को कार रोकनी पड़ती है। तो वो चिल्लाकर और हॉर्न मार के भैंस को भगाने की कोशिश करता है, पर भैंस तो जाने का नाम ही नहीं लेती। तो कर्ण खुद ही उतर कर भैंस के पास जाकर कहने लगता है कि भैंस चुपचाप से हट जा वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं टाइकोंडो ब्लैक बेल्ट हूँ। तो कर्ण उसे अपनी टी शर्ट दिखाकर भगाने की कोशिश करता है, पर भैंस तो भागने का नाम ही नहीं लेता। ये देखकर दाव नीचे उतरती है और भैंस को आराम से रास्ते से हटा देती है और वो सभी अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। इधर मिस्टर सैंग तो बड़े ही सैड और नाराजगी के साथ घर लौटाते हैं और जान तो बस यही सोचे जा रही थी कि आखिर कर्ण के साथ वो लड़की कौन थी। इस चक्कर में वो केक को भी नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से मिस्टर सैंग उसे बहुत ही ज्यादा डांटने लग जाते हैं। तो शानू उन्हें शांत कराता है, तब जाके मिस्टर सैंग जान से अच्छे से बात करते हैं। इधर तीनों पहुंच जाते हैं कैंपिंग वाली जगह पर जहाँ कर्ण दाव से कहता है कि हम हर साल तुम्हारे बर्थडे पर यहाँ आया करेंगे। जिस पे दाव कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम तक थोड़ी ना रहने वाली हूँ। जिस पे कर्ण कहता है कि प्लीज तुम हमारे साथ ही रह जाओ ना। तो दाव कहती है कि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती और ना ही वो कभी मुझे करेगी, इसलिए हमारे बीच कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तभी और का बाहर आता है, दाव को बर्थडे किस करता है और अपने डैड को भी थोड़ी मदद कर देता है, जिसके बाद वो सभी खाना बनाने लग जाते हैं। और हमारा और का दाव की सेटिंग अपने पापा से करने में लगा हुआ था। तो कर्ण की प्यारी प्यारी बातों से दाव तो थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगी थी। इधर शान और कर्ण के डैड को कर्ण के ट्रिप पे जाने के बारे में पता था, पर उन्हें लग रहा था कि शायद दाव घर पे ही होगी, इसलिए एक एक करके दोनों उसके रूम में और बेड पे झपट पड़ते हैं। और ब्लैंकेट ओढ़कर तो मम्मी जी सोई हुई थी, तो वो दोनों का बैंड बजा देती है। इधर करण और का कार से कुछ लाने के लिए जाते हैं, तभी दाव नोटिस करती है कि उसके हाथ में बंधा हुआ धागा टूट गया है। तभी करण और का दाव का बर्थडे केक लेकर आते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो और का के सो जाने के बाद करण दाव को एक सुंदर सी जगह ले जाता है जहाँ चारों तरफ डेकोरेशन की हुई थी, जहाँ वो उसे वही बुक देता है जिसके अंदर वो गुलाब का फूल था और उसे बताता है कि ये वही गुलाब का फूल है जिस दिन वो दोनों पहली बार मिले थे। उस दिन दाव ने करण को देखते हुए इस फूल पे किस किया था। तो यहाँ करण भाई अपने दिल की बात उसे बताते कि उसे पहली नजर में ही उसे प्यार हो गया था। और दाव से कहता है कि मुझे पता है तुम पूरे दिल से मुझे प्यार नहीं करती, पर एक दिन जरूर करोगी। ये कहकर वो दाव को किस करता है। इधर घर में मम्मी जी करण के डैड और शान की क्लास लेती है, पर शान बहाना मारता है कि वो तो दाव के अगेंस्ट एविडेंस ढूंढने के लिए गया था, इसलिए वो रूम की अच्छी तरह से तलाशी ले रहा था। और करण के डैड ये बहाना मारते हैं कि उन्हें लगा था और काको वो दोनों छोड़ के गए, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए गए थे। मम्मी जी कहती है बहुत हुआ इस दाव का, अब इसे घर से निकालने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। इधर दाव नोटिस करती है कि करण जो कि बाहर सो रहा था उससे मच्छर बहुत काट रहे थे, इसलिए वो उसे के अंदर सोने के लिए बुलाती है, जहाँ हमारे करण भाई तो बहुत मस्ती करने लग जाते हैं। तो अगली सुबह दोनों अपने आप को ब्लैंकेट में लपेटा हुआ पाते हैं। करण उसके फोरहेड पे किस करता है, तो दाव भी जाग जाती है और वो करण से आई लव यू कहकर उसे किस करने लग जाती है, पर ये सब तो करण का इमेजिनेशन था। तो जब दोनों की आंखें खुलती है दोनों अपने आप को ब्लैंकेट में रोल पाते हैं, तो करण मस्ती करने लग जाता है। दाव ब्लैंकेट से निकलने के बाद करण को मारने के लिए उसके पीछे भागती है और भागते हुए वो करण के ऊपर गिर जाती है, तो करण उसे किस कर लेता है। वहीं दूर बैठा ओरका ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि ये प्लान तो करण ने ओरका के साथ मिलकर बनाया था। तो वो सभी बहुत सारे फोटोज खिंचवाते हैं और उसके बाद घर निकलने की तैयारी करते हैं, पर दाव को कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए वो अकेले ही ढूंढने के लिए चली जाती है, जहाँ उसका पैर फिसल कर वो गिरने वाली होती है कि तभी करण आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो सभी घर पहुँचते हैं जहाँ मम्मी जी ने पहले से ही दाव को घर से निकालने का प्लान बना कर रखा था। उन्होंने ओरका की पुरानी नैनी को ऑलरेडी बुला रखा था, इसलिए वो दाव को घर से निकल जाने के लिए कहती है, पर ओरका रोने लग जाता है कि वो दाव को कहीं जाने नहीं देगा। तो करण भी उसके सपोर्ट में कहता है कि दाव कहीं भी नहीं जाएगी, उसी के साथ रहेगी। तो करण भी दाव से रिक्वेस्ट करता है कि वो ओरका को छोड़ के ना जाए वरना वो बहुत सैड हो जाएगा। तो दाव सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद देंग से बात करती जिसे वो कहती है कि उसे ओरका के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तो देंग उसे उसके पापा के सरप्राइज के बारे में बता देती है, तो दाव डैड को कॉल करती है। डैड तो बहुत ज्यादा दुखी थे कि वो दाव के बर्थडे के दिन भी उससे नहीं मिल पाए और काफी टाइम भी हो गया है वो उससे मिले भी नहीं थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा उसे मिस कर रहे थे। तो वो जल्दी से उसे घर आने के लिए कहते हैं, तो दाव कहती है वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगी, वो जो भी कर रही है वो अपने फैमिली के लिए ही कर रही है। तो एक बार फिर से दाव अपने दिल को मजबूत बनाती है और अपने रिवेंज प्लान में फोकस करने का डिसाइड करती है। दाव रिन से मिलती है जो उसे बताती है कि उसे उस जमीन के पेपर्स नहीं मिले और वो आगे से कभी भी करण के केबिन में नहीं जाएगी। दाव जब उसका रीजन पूछती है तो उसे सब कुछ बता देती है कि शान ने उसे पुलिस की धमकी दी है। तो दाव कहती है वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो तुम बस अपने काम पे फोकस करो। रिन उसे ये भी बताती कि उसने वो घर छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है क्योंकि उसके पास अब कुछ पैसे हैं। तो करण के डैड उस पर गुस्सा करते हैं उस प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए, पर करण उन्हें बताता है कि उसे सिंगापुर का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसे सुनकर उसके डैड तो बड़े ही खुश हो जाते हैं। इधर रोज को रिसोर्ट वाला प्रोजेक्ट मिल जाता है और उसके डैड शान को इस प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के अलावा किसी भी बाहरी आदमी पे भरोसा नहीं था, जिसे शान को बुरा लगता है। पर वो दोनों चले जाते हैं करण के पास, उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो करण भी उन्हें अपना जवाब देता है कि मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट से 10 गुना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और वो भी फॉरेन में, तो तुम दोनों अच्छे से ये काम कर ले। जिसके बाद हम रिन को देखते हैं जो करण की फोटो देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी शान आके फिर से उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है और उसे एक और बार याद दिलाता है कि वो जो भी उसे करने के लिए कहेगा उसे वो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से रिन का काम में ध्यान नहीं रहता। तो करण उसे कहता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसके साथ शेयर कर सकती है। तो करण की इसी अच्छे बिहेवियर की वजह से रिन धीरे धीरे करण के लिए ऑब्सेस्ड होती जा रही थी। इधर ओरका के स्कूल में एक और बार पंगा हो जाता है। मदर्स डे के दिन ओरका ने अपनी मॉम की एक इमेजिनरी तस्वीर बनाई थी, जिसे देखकर उसी लड़के ने ओरका का मजाक उड़ाया था, इसीलिए ओरका ने उसे पीट दिया था, पर टीचर उनका केस सॉल्व कर देती है और ओरका
बहुत सैड होता है कि उसकी कोई मॉम नहीं है। करण उसे कहता है कि वही उसके लिए मॉम और डैड दोनों ही है, पर तभी वहाँ पे दाव आती है और उसे कम्फर्ट करती है। दिन तीनों घर वापस आ जाते हैं तो करण उसे थैंक यू कहता है अर्का को संभालने के लिए, और वो बार बार दाव से अपने प्यार का इजहार करने लग जाता है। दाव उसे नहाने जाने के लिए कहती है, तभी वो नोटिस करती है कि उसके रूम की किसी ने तलाशी ली है। तो दाव इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन को लेकर उसे वार्न करती है कि अगर उसने दोबारा से उसके रूम की तलाशी ली तो वो उसका खेल खत्म कर देगी। परेशान से कहता है कि तुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं है तू मेरे उस वीडियो को रोज को भेज सके, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो दाव डैंग को कॉल करके उस वीडियो को पोस्ट कर देने के लिए कह देती है। तो इधर मम्मी जी के साथ साथ रोज भी वो वीडियो देख लेती है, पर उस वीडियो को अच्छे से देखने से पहले शान वहाँ पहुँच जाता है और आकर ही उन दोनों का ब्रेन वॉश कर देता है उन्हें ये कहकर ये सब कुछ फेक होता है। तो शान दाव को ढूंढने जाता है, तभी उसे दाव का कॉल आता है जो उसे बताती है कि इस बार तो उसने उसका फेस ब्लर कर दिया था, पर अगर उसने आगे से उससे पंगा लिया तो वो उसका पूरा वीडियो पोस्ट कर देगी। तो अगले दिन सुबह शाव डैंग को कॉल करके जल्दी से उसके घर आने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और घर पे भी उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। तो वो भाग कर पहुंच जाती है शाव के घर। तो उसके आते ही शाव भाग कर आता है, उसे गले लगा लेता है, उसे कहता है कि प्लीज पापा के सामने मेरे साथ एक्टिंग करती रहो। तो दोनों उनके सामने लवी डपे होने का नाटक करने लग जाते हैं। तो शाव के डैड दोनों की शादी कराने की बात करते हैं तो दोनों ये सुन के शॉक्ड रह जाते हैं। ऊपर से डैड उन दोनों को जल्दी से शादी करके बच्चे बच्चे पैदा करने के लिए भी कह देते हैं। ये सुनके दोनों डबल शॉक्ड हो जाते हैं। तो बाहर निकल के शाव उसे अपनी कंडीशन समझाता है, उसके डैड ने उसे धमकी दी थी उसके मॉडलिंग एजेंसी की बिजली पानी काट देने का, इसीलिए आज उसे इतनी इमरजेंसी में घर बुलाना पड़ा। तो डैंग उस पे गुस्सा करते हुए कहती है कि अब तुम्हारी वजह से हमारी शादी की डेट तक बात चली गई है, और एक बात जान लो तुम मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली हूं। इस पे शाव कहता है कि तुमसे तो मैं भी शादी नहीं करना चाहता, बस कुछ दिन संभाल लें, तब तक मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा हमारी शादी को तोड़ने का। इधर मिस्टर सेंग को पता चलता है कि जान ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था बैंकॉक में, जिसके इंटरव्यू के लिए उसे कॉल आता है, दाव जाने के लिए मान भी जाती है। ये सुनकर डैड उस पे गुस्सा करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस चीटर के लिए बैंकॉक जा रही हो। इस पे जान कहती है कि मैं उसे भूल चुकी हूँ, मैं अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर डैड भी उसे सपोर्ट करते हैं। इधर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर रोज दाव की जमीन के एग्रीमेंट के पेपर्स रख देती है और अपने डैड से कहती है कि वो कल से ही काम शुरू करवाना चाहती है। इस उनके दाव कहती है ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इस पे मॉम कहती है कि जमीन हमारी है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इस पे दाव कहती है कि आपको काम शुरू करवाने के लिए एक शुभ दिन देखना चाहिए। तो रोज कहती है उन सब पे हम नहीं मानते। तो रोज कहती है आप नहीं मानते, वो आपकी पर्सनल बात है, पर मैं आप सभी को मेरे एक फ्रेंड की सच्ची कहानी बताना चाहती हूँ। तो दाव बताती है कि उसकी एक फ्रेंड ने बिना शुभ दिन देख कर घर बनवाना शुरू किया, पर हर दिन काम करते हुए एक एक वर्कर्स की मौत होने लगी और आखिर में मेरे फ्रेंड की भी मौत हो गई। जिस हिसाब से दाव एक्सप्रेशन दिखा दिखा कर सभी स्टोरी बता रही थी सब लोग तो डर ही गए थे। पर रोज कहती कि उसे इन सब पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पर करण के डैड पूछते हैं कि इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दाव ने बताती कि मेरे डैड जब भी कोई भी जमीन खरीदते हैं तो वो एक सेंसे को बुलाते हैं जो जमीन की शुद्धिकरण कर देते हैं, जिस वजह से हमें काफी फायदा होता है। तो करण के डैड उस सेंसे को बुलाने के लिए कह देते हैं और ये सुन के दाव मुस्कुराने लगती है, जिसका मतलब तो यही है कि ये तो दाव का प्लान है। दाव करण की लेकिन साथ उस प्लांटेशन वाली जमीन पे जाती है जहाँ वो एक आदमी को सेंसे बनाकर लाती है, जो उन सभी को बताता है कि इस जमीन पे अगले एक साल तक कोई कुछ भी नहीं बना सकता वरना उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इस जमीन की रक्षा कर रही है इस जमीन की गार्डियन, जिनकी आत्मा इसी जमीन के आसपास भटकती रहती है। रोज तो परेशान हो जाती है कि अगर एक साल तक इस जमीन पर उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया तो उन्हें बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सेंसे उन्हें बताते हैं कि एक साल बाद अगर यहाँ कुछ भी बनाया जाए तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और उन्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए करण के डैड मान जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस सेंसे को तो तेंग ने था जो कि शमशान घाट के पुजारी थे, पर डैंग उसे बताती कि उन्होंने जो भी कहा वो सब कुछ सच है, तुम्हारी जमीन की रक्षा तुम्हारी मॉम कर रही है जिन्हें वो जमीन अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी। तो दाव अपनी मॉम को याद करते हुए उन्हें थैंक यू कहती है। तभी करण वहाँ आ जाता है, वो उसके साथ बात करने लग जाती है। वहीं से सानू गुजर रहा होता है तो वो करण को देखकर रुक जाता है, उससे बात करने के लिए उसके तरफ जाता है तो करण के बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और सानू को आता देखकर दाव करण के पीछे छुप जाती है और अपना फेस छुपाकर वहाँ से निकल जाती है। इधर ऑफिस में डैड रिसोर्ट वाले प्रोजेक्ट को बंद करने का अनाउंसमेंट करते हैं, जिसकी वजह से रोज बहुत गुस्सा हो जाती है। तो याडा भी ऑफिस आई हुई थी तो वो रिन का चेहरा देखकर ही डर जाती है और उसे बुरा भला कहने लग जाती कि वो तो बिल्कुल किसी घोष्ट की तरह दिखती है और उसकी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही थी। रिन कहती है वो यहाँ की एक एम्प्लॉय है, पर याडा को तो बिलीव ही नहीं होता, उल्टा वो रिन से ही माफी मांगने के लिए कहती है। उसकी मैनेजर रिन को तो जबरदस्ती याडा के पैरों पे गिराकर उससे माफी मांगने के लिए कहती है, पर तभी वहाँ करण आ जाता है हमेशा की तरह, रिन की मदद करता है और याडा को रिन से माफी भी मंगवाता है, जिसकी वजह से रिन तो अब टोटली करण के लिए ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। इधर दाव अर्का का होमवर्क करवाकर उसे सुला देती है तो करण बड़े ही प्यार से दाव के फ्लैट पे किस करने के लिए जाता है, पर दाव अचानक जाग जाती है, इस वजह से वो घबरा कर बेड से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके कमर में दर्द होने लगता है। तो वो दाव से उसे उठाने में मदद मांगता है तो दाव उसे उठाने जाती है, पर करण उसके ऊपर गिर जाता है और उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं लेता। तो दाव उसे खींच के एक लात मार देती है तो करण और ज्यादा दर्द होने का नाटक करता है और दाव को उसे उसके रूम तक छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो दाव उसे उसके रूम तक छोड़ने जाती है तो करण उसे कहता है कि अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मेरी चोट पे थोड़ा बाम भी लगा दो। तो दाव बाम लेने जाती है, करण भाई तो अपना शर्ट उतार कर खड़े हो जाते हैं। दाव करण को देखते ही रह जाते हैं, उसके हाथ से बाम गिर जाता है। तो
शाओ कर्ण की पीठ पर बहुत ही ज्यादा बाम लगा देती है। जलन की वजह से कर्ण की तो बैंड ही बच जाती है। इधर शाओ और डैंग की फैमिली एक 5-स्टार फॉर्चून टेलर को अपने घर बुलाती है, तो वो उन दोनों की कुंडली देखकर बताती है कि इन दोनों का साथ तो जन्मों जन्मांतर का है और ये दोनों हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। तो डैंग सभी को बता देती है कि वो शाओ से शादीवादी नहीं करने वाली है, ना ही ये इसे पसंद करती है। तो शाओ भी सभी के सामने कह देता है कि मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दोनों चूहे बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाते हैं, जिसके बाद डैंग घर से निकलकर बाहर चली जाती है और शाओ भी उसके पीछे चला जाता है और उसे साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि आखिर वो उसे इतना नफरत क्यों करती है। तो डैंग उसकी बहुत सारी बुराइयां करने लग जाती है। तो शाओ डैंग को किस कर लेता है, डैंग तो पूरी स्टंट रह जाती है। इधर हमारा छोटू और का सैड होकर बैठा हुआ होता है, क्योंकि सारे बच्चे अपनी मॉम के साथ स्कूल आते हैं और मदर्स डे के दिन भी सारे बच्चों के मॉम आती है, पर उसकी कोई मॉम नहीं है, इसलिए वो रो रहा होता है। तो दाओ उसे कंसोल करती है। इधर सीढ़ियों से गिरने की वजह से मिस्टर सैंग का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। इधर और का दाओ से अपनी मॉम बनने के लिए कहता है, पर उसके कुछ कहने से पहले ही दाओ को जान का कॉल आता है, तो कॉल पिक करने के लिए चली जाती है। तो जान उसे डैड की सीढ़ियों से गिरने वाली बात बताती है, जिसकी वजह से दाओ को उनकी बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो हांगकांग में अपने डैड के साथ मीटिंग का बहाना करके अपने गाँव जाने का प्लान बनाती है। पर और का और करण उसके साथ जाने की बात करते हैं, तो बड़ी मुश्किल से दाओ उन्हें समझाती है कि उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो कुछ देर बाद दाओ को लेने के लिए एक बहुत ही महंगी कार आती है, जिसे देखकर मम्मी जी सोचने लग जाती है कि अगर ये इतनी अमीर है तो हम करण के साथ इसकी शादी करा देंगे, उसके बाद हम भी अमीर बन जाएंगे। पर शान कहता है कि हो सकता है ये नाटक कर रही हो हमें बस दिखाने के लिए। तो मम्मी जी को भी थोड़ा डाउट होने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद दाओ कार से उतर जाती है, उन्हें कुछ पैसे देकर उन्हें भगाती है और डैंग की कार से अपने गाँव पहुँच जाती है अपने पुराने अगले अवतार में। मिस्टर सैंग तो उसे देख कर बहुत ही खुश हो जाते हैं। पर शान उससे कहता है कि बैंकॉक जाकर तुम्हारी स्किन बहुत ही व्हाइट हो गई है। ये नोटिस करने पर जान और मिस्टर सैंग भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं, जिस पर दाओ ने बताती कि वो गांव की तरह धूप में तो काम नहीं करती है बैंकॉक में, इसीलिए उसकी स्किन का कलर व्हाइट होने लगा है। इधर हम देखते हैं शान रिन को कुछ ज्यादा ही बुली करने लगा है, वो उस पे हाथ भी उठाता है और उसे कर्ण के उस सिंगापुर वाले क्लाइंट का नंबर ढूंढने के लिए कहता है। तो रिन को सिंगापुर वाले मिस्टर वोंग का नंबर मिल जाता है। इधर शाओ का भाई याओ, जो कि शानू के एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम काम करता है, वो दाओ को बिना मोल के देख लेता है और वो दाओ को भी जानता था, क्योंकि वो शानू के साथ मिस्टर सैंग के घर गया था और वहाँ उसने दाओ की तस्वीर देखी थी। तो वो उससे पूछता है क्या आपने आपका मोल निकाल दिया। तो दाओ जल्दी से अपना मोल लगाकर वापस आती है और उसे साइड में ले जाकर उसे कहती है कि ये बात वो उसके डैड को ना बताए, जिसका रीजन देते हुए वो उसे कहती है कि उसके डैड इस मोल को उसके लिए लकी मानते थे, पर दाओ को पसंद नहीं था इसलिए उसने निकाल दिया। इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बारे में उसके डैड को ना बताए ताकि उनका दिल ना दुखे। तो याओ भी मान जाता है। तो मिस्टर सैंग दाओ की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करते हैं, उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और जान से हमेशा की तरह रूडली बात करते हैं, जिसकी वजह से जान को उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दाओ को करण का कॉल आता है, तो वो कॉल पिक करने के लिए रूम के अंदर चली जाती है। तो मिस्टर सैंग जान को उसके लिए खाना ले जाने के लिए कहते हैं। तो जान दाओ के रूम के बाहर से उसे किसी लड़के के साथ बात करता हुआ सुनकर अंदर जाकर पूछने लगती है कि वो किससे बात कर रही थी। तो दाओ बहाना मार देती कि वो अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी। तभी जान की नजर पड़ती है दाओ के ट्रॉली पर, तो वो ट्रॉली की अनपैकिंग करने लगती है, जिसमें उसे एक आदमियों का सूट मिलता है जो कि करण ने उसे यहाँ आने से पहले दिया था। तो दाओ बहाना मार देती कि उसने अपने एक फ्रेंड से लिया था पर उसे लौटाना भूल गई। तो उसके बढ़ते सवालों को देखते हुए दाओ उसे सोने के लिए भेज देती है। इधर रोज और शान पहुंच गए थे सिंगापुर के क्लाइंट से मिलने के लिए और उनसे जाकर कहते हैं कि उन्हें करण ने यहाँ भेजा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी है। इसलिए वो दोनों मिस्टर वोंग को ये भी कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को असल में वही लोग संभाल रहे हैं, तो अगर उन्हें प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी बात डिस्कस करनी है तो वो इन दोनों को ही कॉन्टेक्ट करें। पर मिस्टर वोंग इस बारे में करण को बता देते हैं, जिस वजह से करण और उसके डैड उन दोनों पे बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि इस वजह से मिस्टर वोंग उनके साथ प्रोजेक्ट कैंसिल कर सकते थे। तो करण रिन और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि आखिर शान को मिस्टर वोंग का नंबर कहाँ से मिला। तो रिन बताती है कि उसके जाने के बाद शान कुछ ढूंढने के लिए आया था, तो शायद उसी ने मिस्टर वोंग का नंबर निकाल लिया था। रिन अपने डैड की तबीयत खराब होने का बहाना करके कुछ दिनों की छुट्टी पे चली जाती है। तभी करण को पता चलता है कि ओरका की तबीयत बहुत खराब है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और नैनी इस बारे में दाओ को कॉल करके बता देती है। तो दाओ अपने डैड से असाइनमेंट का बहाना करके बैंकॉक जाने की बात करती है और याओ के साथ वो बैंकॉक आ जाती है, जहाँ वो डैंग के घर फिर से अपना मेकओवर करती है और ओरका से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकलती है। ओरका तो दाओ को बहुत मिस कर रहा था, तभी वहाँ नाटक मंडली हाजिर हो जाती है और याडा तो डायरेक्ट कहने लग जाती है कि इसकी तबीयत जरूर दाओ की वजह से खराब हुई होगी। मम्मी जी और रोज भी उसी का सपोर्ट करती है। याडा तो दाओ की बहुत बुराई करने लगती है, जिससे ओरका को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे चिल्लाकर रूम से बाहर जाने के लिए कहता है, तभी दाओ वहाँ पहुँच जाती है, उसे चुप करा देती है। पर याडा तो उसे झगड़ नहीं जाती है, तो दाओ से उसकी पिछली धुलाई के बारे में याद दिलाती है। तो रोज डर के मारे मम्मी जी के पीछे छुपने जाती है और मम्मी जी दाओ पे बहुत गुस्सा करके उसे थप्पड़ मारने जाती है और करण दाओ के सामने आ जाता है, उसे थप्पड़ पड़ जाती है। देन वो उन सभी से रूम से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करता है। तो बाहर आकर रोज और मम्मी जी याडा पे गुस्सा करते हैं कि वो कुछ तो कर नहीं सकती और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करना जानती है। तो वो याडा को कोई आइडिया सोचने के लिए कहकर चली जाती है। तो इधर हमारा छोटू और का दाओ से कहता है कि मेरे डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो प्लीज आप भी मेरे डैड से प्यार करिए और मेरी मॉम बन जाइए। पर दाओ कोई जवाब नहीं देती, उसे सोने के लिए कह देती है और वो करण के पास जाती है जो कि सो रहा था। उसके बगल में बैठकर वो ओरका की बातों के बारे में ही सोच रही थी। तभी करण अचानक उठकर उसे पूछता है, तुमने ओरका की बातों का जवाब नहीं दिया। तो ये सुनकर दाओ उठकर जाने लगती है, पर करण उसे जाने नहीं देता और उसे किस कर लेता है। उसे कहता है कि वो ऐसे ही थोड़ी देर तक उससे गले लगकर रहे, इसके लिए दाओ भी मना नहीं करती। तो अगले दिन रोज शान को उसके पर्स से पैसे चुराते हुए पकड़ लेती है। शान की पैसे को लेकर उसे झगड़ा हो जाती है क्योंकि
कंपनी का एग्जीक्यूटिव होने के बाद भी उसकी सैलरी बहुत कम थी, तो वो सुबह सुबह घर से गुस्से से निकल जाता है और रोज उसे ऑफिस के एक बेंच पे सोता हुआ पाती है। तो शान उसे फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों पे फंसाता है और करण के अगेंस्ट में उसके कान भरने लग जाता है और उसे अपने डैड से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए कहता है। इधर दाव को नैनी से पता चलता है कि ओरका ठंडे पानी से नहाने के लिए गया है, तो वो भाग कर बाथरूम की तरफ जाती है, पर वहाँ ओरका नहीं बल्कि करण नहा रहा था, जिसे दाव बिना कपड़ों के देख लेती है। तो दोनों एक दूसरे को देख कर जोर से चिल्लाते हैं। इधर ऑफिस में रिन अपने फेस की सर्जरी करवा कर वापस आ गई थी, जिस वजह से सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और करण भी उसके लिए खुश होता है कि अब वो कॉन्फिडेंट होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। तभी दाव भी वहाँ पहुँचती है, वो रिन को देखकर शॉक रह जाती है, तो वो उसे बात करने के लिए जाती है। वो उसके लिए बहुत खुश होती है, उसे कहती है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। दाव उसे बताती है कि उसे अब से जमीन के वो पेपर्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे और वो मन लगाकर अपना काम करें, लाइफ में आगे बढ़े। पर रिन समझ रही थी कि दाव ने उसका यूज किया, क्योंकि वो करण से इतना ही ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि अब उसे दाव से ही जलन होने लगी है। शांत रिन को देखता ही रह जाता है, तो अब वो रिन को और ज्यादा बुली करने लगता है। इधर दाव नैनी को मसाले के उठते हुए देखकर उनकी मदद करने के लिए आती है, जिसे देखकर रोज उसकी इंसल्ट करने लगती है, तो दाव उसे सबक सिखाने के लिए मसाले उसके फेस पे लगा देती है। इधर याओ श्याओ को लेकर शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था और उसने इंग को भी बुलाया था शॉपिंग में मदद करने के लिए, जो कि शानू के ही शॉप में काम करती थी। तभी उन सबकी मुलाकात होती है दाव करण ओरका से, और यहाँ दाव को भी पता चल जाता है कि याओ श्याओ का ही भाई है, तो वो उससे थोड़ा चुपने लग जाती है। तो वो सभी साथ में खाना खाने का डिसाइड करते हैं। तो खाने के टाइम इंग करण की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रही थी, जिसे देखकर हमारी दाव को जेलसी होती है, और याओ तो दाव को ही देखे जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने दाव को पहले तो कहीं देखा है। तो करण उसे दाव को घूरता हुआ देखकर पूछता है कि ओए तू दाव को घूर क्यों रहा है। याओ कहता है कि उसे दाव कुछ जानी पहचानी लग रही है। इस पे दाव कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो कभी तुमसे मिली नहीं हूँ और ना ही मैं आज से पहले तुम्हें जानती थी। तो सभी खाना खा लेने के बाद इंग को दाव पे कुछ डाउट होता है, इसलिए वो याओ से दाव के बारे में पता लगाने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहती है। तो तीनों घर पहुंचते हैं, दाव और करण तो एक दूसरे की तरफ नजर ही नहीं मिला रहे थे। तो ओरका कहता है जब तक वो दोनों अपना मसला सही नहीं करेंगे तब तक वो घर के अंदर ही नहीं जाएगा। तो दोनों बात करने जाते हैं, दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। दोनों के बीच सब कुछ सही हुआ ही था कि याडा अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करती है कि वो मिस्टर की के साथ कैंडल लाइट डिनर पे आई है। करण का फेस नहीं दिखता पर उसकी पर्सनालिटी उसकी जैसी ही थी, जिसे देखकर दाव को तो बड़ा गुस्सा आता है और वो फिर से करण से नाराज हो जाती है। करण उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में था और याडा के फोटो वाला आदमी वो नहीं है, पर दाव तो उसकी बात ही नहीं मानती और उसे गुस्सा हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो याडा ने मम्मी जी के इशारों पे किया था। मम्मी जी याडा से कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें तो इन दोनों का अभी ब्रेकअप भी करवाना है। तो दाव अपने रूम में सोचने लग जाती है कि उसे करण के साथ किसी भी लड़की को देखकर जेलसी क्यों हो रही है, कहीं उसे सच में करण से प्यार तो नहीं हो गया। और इधर करण भी परेशान होता है दाव के गुस्सा होने की वजह से। तो अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर शान मम्मी जी और रोज उनके सर्वेंट के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करते हैं और दाव की बहुत बुराई करते हैं कि उसे खाना बनाना ही नहीं आता, और ऊपर से करण उन्हें कुछ भी नहीं कहता, जिस वजह से दाव उससे और ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तो करण उसके पीछे जाता है उसे समझाने के लिए, पर दाव तो उसकी कोई भी बात नहीं मानती। तो ओरका उसे मनाने के लिए आता है, पर इस बार तो ओरका का भी कोई जादू नहीं चलता उस पर। दंग दाव को कॉल कर याडा के उस पोस्ट के बारे में पूछती है। देंग भी दाव की जेलसी नोटिस कर लेती है, पर इस बारे में पूछने पर दाव कॉल काट देती है। और दशाओ भी करण से इस बारे में पूछता है, तो करण उसे भी बताता है कि उस फोटो में वो नहीं है और उसे उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, और शाओ को वो आदमी मिल भी जाता है जो कि उसी की एजेंसी में काम करता था। तो इस बारे में वो करण को बताता है। इधर याडा ऑफिस आते हैं, रिन के साथ फिर से उसका पंगा हो जाता है, पर इस बार रिन उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है। और जैसे ही वो करण को आता हुआ देखती है तो वो उससे मार खा लेती है, और हमेशा की तरह करण आकर उसे बचाता है और याडा को आगे से अपनी शक्ल दिखाने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद रिन पैर पे मुंह जाने का नाटक करती है। करण उसे घर छोड़ने के लिए चाहता है। करण जब उसके रूम में जान की फोटो देखता है तो रिन उससे झूठ बोल देती है कि वो अभी बहुत खुश है, उसका एक नया बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनकर उसे जान के लिए अच्छा लगता है, पर रिन जानबूझकर करण के ऊपर गिरती है और उसके शर्ट पे लिपस्टिक का निशान छोड़ देती है। इधर ओरका साइड बैठा हुआ था, क्योंकि मदर्स डे के दिन सारे बच्चे अपने अपनी मॉम के साथ स्कूल जाएंगे और उसकी तो कोई मॉम ही नहीं है। तो दाव उसे कहती कि वो उसके साथ मदर्स डे के दिन स्कूल जाएगी। तो दाव ओरका को सुलाने के बाद रूम से बाहर आती है, तो करण उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे रोज के साथ जो आदमी था उसकी वीडियो फुटेज दिखाता है, जिसे शाओ ने ढूंढा था, जिसकी वजह से दोनों बीच सब कुछ सही हो जाता है। तभी दाव करण के शर्ट पे लिपस्टिक का निशान नोटिस करती है, तो उससे फिर से भड़क जाती है और गुस्से से देंग के घर चली जाती है। तो अब देंग को भी कंफर्म हो जाता है कि दाव जेलस हो रही है, तो वो दाव से कहती है कि शायद तुझे उससे प्यार हो गया है, जिसकी वजह से तू भूल गई है कि शायद तुझे उससे बदला लेना है, उससे अपनी जमीन वापस लेनी है, और ये प्यार तुझे कमजोर बना रही है, इसलिए अगर तुझे बदला लेना है तो तुझे अपने सर से प्यार का भूत उतारना होगा। दाव इस बारे में सोचने लग जाती है। इधर इन जान को बताती कि करण की गर्लफ्रेंड का नाम दाव प्रदा है, पर उसे ये नहीं बताती कि वो उसी की बहन दाव है। दाव के घर से जाने पर नाटक मंडली तो फुल खुशियां मना रही होती है, वहीं हमारा ओरका सैड होता है, क्योंकि दाव उसके साथ स्कूल जाने वाली थी मदर्स डे इवेंट के लिए। ओरका रोते हुए करण से कहता है कि उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तो करण उसे कहता है कि वही हर साल की तरह उसके साथ जाएगा। तो दोनों स्कूल पहुंचते हैं, जिस बच्चे के साथ ओरका का पंगा था वो और उसकी मॉम उसे चिढ़ाने लग जाते हैं कि उसकी मॉम नहीं है, पर करण के आने पर वो लोग भाग जाते हैं। पर इससे ओरका को बहुत गुस्सा आता है, वो करण से कहता है कि उन्होंने मेरा प्रॉमिस तोड़ा तो मैं भी उनका प्रॉमिस नहीं रखूंगा और उनका सीक्रेट बता दूंगा। तो करण उसे पूछता है कौन सा सीक्रेट, ओरका रियलाइज करता है कि उसने ये क्या बोल दिया। तभी टीचर बुलाने आती है, तो इवेंट शुरू होता है, सभी
बच्चे अपने अपने मॉम्स का शुक्रिया अदा करते हैं उन्हें इस दुनिया में लाने के लिए और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ओर्का की बारी आती तो वो नहीं जाना चाह रहा था, तो कर्ण उसे मोटिवेट करता है, उसे हिम्मत नहीं हारने के लिए कहता है। ओर्का भी चला जाता है और सारे बच्चे अपने अपने मॉम्स का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। अभी दाव आ जाती है, दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। दाव कर्ण की जगह पर बैठती है, ओर्का दाव का शुक्रिया अदा करता है उसके लाइफ में आने के लिए और उसका आशीर्वाद लेता है और वो फिर से बहुत ही खुश हो जाता है। इधर हमें पता चलता है कि रिन और शान का अफेयर शुरू हो गया है। इधर करण दाव को मनाने लग जाता है और उन दोनों को अकेले छोड़कर खेलने के लिए चला जाता है। दाव उस पे नाराज तो बहुत थी, पर अपने रिवेंज प्लान को पूरा करने के लिए वो अपनी नाराजगी खत्म कर लेती है। इधर हम देखते हैं ओर्का से एक औरत करण के बारे में पूछती है। करण उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है, तो वो दाव से ओर्का को ले जाने के लिए कहता है और वो उस औरत के साथ बात करने के लिए जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम मोना है और ये करण की एक्स वाइफ और ओर्का की रियल मदर है। तो मोना ओर्का को जन्म देने के बाद ही अपने लवर के साथ भाग गई थी, इसलिए करण उस पे बहुत गुस्सा था। तो करण उसे पूछता है आखिर वो यहाँ किस लिए आई है। मोना कहती है उसे 10 मिलियन बाट चाहिए क्योंकि उसके लवर की वजह से उस पे काफी कर्जा हो गया है। तो करण उसे कहता है कि वो उसे पैसे दे देगा पर आगे से वो उसे अपनी शक्ल ना दिखाए, और उनकी सारी बातें दाव सुन लेती है। इधर हमारा शाह अपना लुक चेंज करके डैंग के घर गिफ्ट लेकर पहुंचता है, पर डैंग के पेरेंट्स उसे पहचान ही नहीं पाते। जब वो उसे अपने बारे में बताता है तो वो उसे अंदर ले जाते हैं, डैंग भी उसे पहचान नहीं पाती। उसके मॉम डैड दोनों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। डैंग उससे पूछती है तुम अपना अजीब सा हाल बनाकर क्यों घूम रहे हो। शाह बताता है कि उसके डैड ने उसे ये लुक दिलवाया है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हें मेरा ये वाला लुक ज्यादा पसंद आएगा। डैंग कहती है तुम बिल्कुल कार्टून लग रहे हो, मुझे तो तुम्हारा पहले वाला लुक ही पसंद था। ये सुनकर शाह तो बड़ा ही खुश हो जाता है, उसे पूछता है क्या तुम्हें सच में मैं पसंद था। ये पूछ कर वो उसे टीज करने लगता है। तीनों घर लौट आते हैं। करण को परेशान देखकर दाऊ उससे कहती है कि अगर उसे कुछ कहना है तो वो उसे कह सकता है। देन उसे बताती है कि उसने मोना के साथ उसकी बातें सुन ली थी। तो करण ने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि मोना ने उसे चीट किया था, बल्कि उसने तो ये बताकर रखा था कि उसने मोना को छोड़ दिया। तो दाऊ ऐसा करने के पीछे उसका रीजन पूछती है। तो करण उसे बताता है कि वो नहीं चाहता था कि ओर्का जब बड़ा हो तो वो अपनी माँ को गलत समझे और उससे नफरत करने लगे। दाऊ कहती है तुम सच में एक बहुत ही अच्छे फादर हो। तो अब दाऊ करण की इस अच्छे वाले साइड को जानने के बाद और भी कमजोर होने लगती है। अगले दिन मोना तो करण के घर ही पहुंच जाती है, तो ओर्का उसे अंदर बुलाता है। नानी उसे बताती है कि घर में कोई भी नहीं है, तो मोना कहती है वो करण का वेट करेगी। इधर शॉपिंग मॉल के बाहर दाऊ की मुलाकात होती है याओ से, तो वो जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर उस चक्कर में वो गिरने वाली होती है कि याओ उसे पकड़ लेता है, उनकी कोई फोटो खींच लेता है और वो होती है रिन। इधर मोना ओर्का को बताने ही वाली होती है कि वो उसकी मॉम है। उसी वक्त दाऊ वहाँ पहुंच जाती है और मोना को अपने साथ बात करने के लिए ले जाती है। तो अब ये दोनों क्या बात करेंगे, एक दूसरे की बेइज्जती करने लगती है। दाऊ उसे कहती है तुम ओर्का की मॉम कहलाने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम उसे अकेला छोड़ के भाग गई थी। तो मोना उसे थप्पड़ मार देती है। तभी करण वहाँ पहुँचता है और दाऊ को वहाँ से जाने के लिए कहकर मोना से बात करने लगता है कि आखिर वो उसके घर तक क्यों आई है। अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उसे पैसे दे देगा, जिन्हें लेकर वो उसे चुपचाप चले जाने के लिए कहता है। पर मोना कहती है कि अब उसे पैसे नहीं चाहिए, वो तो करण की लाइफ में वापस आना चाहती है। पर करण मोना को कोई भाव नहीं देता और चला जाता है। तो रोज इस बारे में मम्मी जी को बताती है। मम्मी जी करण के पास जाकर उसे पूछती है कि आखिर वो यहाँ वापस क्यों आई थी और अगर वो यहाँ पैसों के लिए आई है तो तुम उसे एक पैसा मत देना। ये कहकर वो बाहर चली आती है और रोज के साथ मिलकर दाऊ को गुस्सा दिलाने के लिए मोना और करण के बारे में जोर जोर से बातें करने लगती है। और दाव को उनकी बातें सुनकर गुस्सा भी आता है, तो वो डैंग को इस बारे में बताती है। तो डैंग उसे कहती है कि यार तुम्हारे लाइफ में इतनी कंपटीशन क्यों है, अब तक तो तुम करण को डंप कर चुकी होती, पहले तो वो याडा और अब ये मोना आ गई है। तो डैंग उसे कहती है तुझे जो भी करना है वो जल्दी से करना होगा, वरना ना ही तो उससे बदला ले पाएगी ना ही तो अपनी जमीन वापस ले पाएगी। तो दाऊ कहती है उसे रास्ता मिल गया, उसे जल्दी से जल्दी करण से शादी करनी पड़ेगी। तो दाऊ का वो आइडिया था करण के साथ नाइट स्पेंड करने का ताकि वो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। उसका प्लान कामयाब हो जाता है, करण का पूरा फोकस दाऊ पे आ जाता है। पर दाऊ फिर से कंफ्यूज्ड हो जाती है कि क्या वो ये सब अपने बदले के लिए कर रही है या फिर उसे करण से प्यार हो गया है। तो सुबह सुबह मम्मी जी दाऊ को करण के रूम से बाहर आते हुए देखती है, तो उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उससे पूछती है आखिर तुमने करण के साथ क्या किया। तो दाऊ कहती है वही जो हस्बैंड वाइफ करते हैं, मेरी प्यारी सासू माँ। अब ये सुन के तो मम्मी जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो उनकी चिल्लाने की आवाज से रोज भी वहाँ पहुँच जाती है। तो मम्मी जी गुस्से से दाऊ को थप्पड़ मारने जाती है, पर दाऊ उनका हाथ पकड़ लेती है। उन्हें कहती है अब कोई मोना वोना इस घर में नहीं आने वाली, अब तो मैं ऑफिशियली इस घर में एंट्री मारूंगी। तो अब मैं चलती हूँ सासू माँ और मेरी प्यारी सिस्टर इन लॉ, क्योंकि मुझे अपने स्टेप्स एंड ओर्का का ख्याल रखना है। ये कहकर दाऊ ओर्का के रूम में चली जाती है और बाहर दोनों चिल्लाते रह जाते हैं। पर दाऊ को जान के लिए सॉरी फील होता है। इधर करण दाऊ को कॉल करता है, पर दाऊ उसका कॉल पिक नहीं करती है। तभी उसके केबिन में रिना आती है, जो कि उसे दाऊ के साथ याओ वाली फोटो दिखाती है ताकि करण को दाऊ पे गुस्सा आए। पर करण उसे नॉर्मली कहता है कि ये तो श्याओ का भाई है और हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। पर इनके जाने के बाद वो तुरंत श्याओ को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तेरे भाई याओ को अपने से बड़ी उम्र वाली लड़कियों पे इंटरेस्ट तो नहीं है। श्याओ कहता है मुझे क्या पता, तू ही उससे पूछ ले। तो अब करण को लगने लगता है थोड़ा थोड़ा डर कि कहीं दाऊ उसे छोड़ के ना चली जाए, इसलिए वो रिन को अपने साथ रिंग पसंद करवाने ले जाता है और उसे अपने पसंद की एक डायमंड रिंग चूज करने के लिए कहता है। तो रिन को लगने लगता है कि शायद वो उसके लिए रिंग ले रहा है, तो वो बड़ी एक्साइटेड होकर एक रिंग को पसंद करती है। देन करण उसके घर तक उसे छोड़ने जाता है। रिन के दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि करण उसे कब रिंग देने वाला है, पर करण तो उसे गुड नाइट कहकर चला जाता है। तो रिन खुद ही सोच लेती है कि शायद करण उसे किसी स्पेशल दिन पे शादी के लिए प्रपोज करेगा और बड़ी खुश हो रही होती है। तभी उसके घर की घंटी बजती है, तो उसे लगा करण वापस आया है, तो वो करण का नाम लेते हुए दरवाजा खोलती है। पर वो तो शान होता है जो करण का नाम सुनने पर फिर से उसे बुली करने लगता है। पर रिन उसे अपनी मीठी बातों से फंसा लेती है।
देती है। इधर घर में तो सास और फ्यूचर बहू का झगड़ा चलता रहता है, जिसमें ऑब्वियसली बात है कि दाव उन्हें परेशान कर देती है। अगले सीन में करण दाव को बुलाने के लिए उसके रूम जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि ओरका सो गया है। तभी ओरका अपनी आंखें खोल लेता है, उन्हें कहता है कि मैं सोया नहीं हूं, बट फिर भी आप जा सकती है। तो हमारा जेलस करण दाव से पूछता है क्या तुम याओ के साथ शॉपिंग पे गई थी। दाव कहती है नहीं तो हम तो बस शॉपिंग मॉल के बाहर कोइंसिडेंटली मिल गए थे। तो करण कहता है फिर तुमने उसे हग क्यों किया था। दाव कहती है मैंने कहां हग किया था, वो तो मैं गिरने वाली थी तो उसने मुझे गिरने से बचाया। करण कहता है क्या सच में ऐसा हुआ था। दाव कहती है अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता तो मत करो। तो करण उसे मनाने लग जाता है। इधर मिस्टर सैंग गांव के चीफ के भोंदू बेटे के साथ जान की सेटिंग कराना चाहते थे ताकि वो गांव में ही शादी कर ले और बैंकॉक जाने का ख्याल छोड़ दे, पर जान उन्हें कहती है कि वो इस भोंदू से शादी नहीं करने वाली और उसे बैंकॉक में जॉब भी मिल गई है तो वो बैंकॉक वापस जाएगी। मिस्टर सैंग तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहते थे इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। इधर दाव और करण ओरका के साथ खेलने के लिए जा रहे थे, पर तभी वहां मोना आ जाती है तो करण उन दोनों को भेज कर मोना के साथ बात करने जाता है। पर इधर दाव सोचती है कि अगर मोना उसके लाइफ में वापस आ गई तो फिर उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा जो कि वो कभी होने नहीं देगी। इधर करण मोना को 10 मिलियन का चेक देता है, पर मोना कहती है उसे अब ये पैसे नहीं चाहिए, उसे तो करण और अपनी फैमिली वापस चाहिए क्योंकि वो अभी भी करण से प्यार करती है। पर करण कहता है कि तुम्हारे लिए तो मेरा प्यार उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तू मुझे छोड़ के गई और अब मैं दाव से प्यार करता हूँ। तो मोना कहती है पर हमारे बच्चे को मेरी जरूरत है। करण कहता है उसे तुम्हारी नहीं बल्कि उसे प्यार करने वाली मॉम की जरूरत है। तभी दाव वहाँ पहुंच जाती है, उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है। मोना कहती है तुम होती कौन हो मुझे ये सब बोलने वाली क्योंकि मैं करण की वाइफ हूँ। दाव कहती है तुम करण की वाइफ थी पर अब मैं करण की वाइफ हूँ, ये सुन के मोना उसे थप्पड़ मार देती है। तो करण मोना से कहता है कि वो दाव से इतना प्यार करता है कि जितना वो किसी से भी नहीं किया। दाव भी कहती है कि वो करण से प्यार करती है, वो उसे शादी भी करने वाली है। मोना कहती है वो ऐसा होने नहीं देगी और वो ओरका को बता देगी कि वो उसकी मॉम है। इस पे दाव कहती है कि जाओ बता दो और अगर तुम ओरका को अपने साथ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ क्योंकि हमारी शादी के बाद तो हम अपने बच्चे कर सकते हैं, पर एक बात याद रखना अगर तुम ओरका को अपने साथ ले गई तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, सिर्फ ओरका का ख्याल रखने के लिए महीने में 20,000 मिलेंगे। और तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, तुम ये 10 मिलियन का चेक पकड़ो और चुपचाप निकल लो जिसमें तुम्हें अपने साथ ओरका को बोझ बनाकर ले जाना नहीं पड़ेगा, पर इसके लिए तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ेगा कि तुम आगे से हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी। तो तुम चूज करो तुम्हें 20,000 में ओरका को पालना है या फिर 10 मिलियन लेकर अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो मोना 10 मिलियन का चेक लेकर निकल लेती है। देन वो दोनों ओरका को लेने जाते हैं। करण दाव से पूछता है क्या वो सच में उसे शादी करना चाहती है, पर दाव उसे कोई जवाब नहीं देती जिस पर करण कहता है कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। इधर शियाओ फिर से अपने पुराने लुक के साथ दैंग के घर आ जाता है और उसे कहता है कि उसे उसके डैड ने धर्मा प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था इसलिए काफी मुश्किल से वो दैंग को अपनी मदद करने के लिए मनाता है। इधर इंग को दाव पे शक हो गया था क्योंकि उसने दाव की फैमिली के बारे में पता लगाया पर उसे कुछ भी नहीं मिला, तो दाव को एक्सपोज करने के लिए वो याओ से मदद मांगती है पर याओ मना कर देता है। तो इंग कहती है वो अकेले ही दाव को एक्सपोज करेगी। इधर दाव और करण पे कुछ आदमी हमला करते हैं जिन्हें शान ने भेजा था, पर करण उनकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है जिसमें उसके शोल्डर पे चोट लग जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि शान कंपनी का पैसा चुरा कर रिन पे उड़ा रहा है और इसीलिए रिन भी उसके साथ है। करण और दाव दोनों घर लौट आते हैं, उन्हें एक साथ जाता हुआ मम्मी जी की चमची देख लेती है तो वो उन्हें लेकर करण के रूम के बाहर पहुंच जाती है। अंदर दाव करण के हाथ पे नया बैंडेज लगा रही थी, उनकी आवाज सुनकर मम्मी जी कमरे के अंदर चली जाती है तो दाव उन्हें बताती है कि वो तो बस बैंडेज लगा रही थी, तो मम्मी जी थोड़ा एम्बेरस होकर चली जाती है। इधर शाओ तो धर्मा प्रैक्टिसिंग के टाइम सो जाता है जिस वजह से दैंग उसे बात करने के लिए बाहर बुलाती है। शाओ बताता है कि उससे ये सब नहीं हो रहा है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है पर उसके चक्कर में परेशान तो दैंग हो गई थी। तो अगले दिन दाव शान को वार्न करती कि अगर आगे से उसने उन पे हमला करवाया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इधर शान तो कंपनी को ही हड़पने के फिराक में था। इधर इन करण के हाथ से खून निकलता देखकर चोट पहना बैंडेज लगा देती है और उसे शर्ट पहनाने के बहाने उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। तो करण उसे अपने साथ एक जगह चलने के लिए कहता है। रिन तो सुपर एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद करण उसे प्रपोज करने वाला है। तो करण रिन को अपने साथ सी फेसिंग हाउस ले जाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ दाव को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। ये सुनकर रिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो तो अभी तक यही सोच रही थी कि करण उसे प्रपोज करने वाला है, इसलिए वो दाव की सारी सच्चाई करण को बता देती है कि वो जान की बहन है और करण के फैमिली से बदला लेने के लिए आई है। पर रिन ये सब बोलने के बारे में सोच रही थी तो ये सुनकर वो करण को अपनी झूठी खुशी दिखाती है, पर घर लौट कर तो वो पागलों की तरह हरकत करने लगती है और दाव के लिए उसकी नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो करण दाव को देखने के लिए आता है, दाव उसके पैरों में सैंड नोटिस करती है, उसे पूछती है कि वो कहाँ से आया। करण झूठ बोल के भाग जाता है कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे था। इधर हमारा शाओ तो कुछ दिन धर्मा प्रैक्टिस करने पर सुधर ही गया था, तब रिन दाव को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसे पूछती है कि वो करण के साथ आगे क्या करने वाली है। तो दाव से उसका पूरा प्लान बताती है कि वो करण से शादी करने वाली है और उसके वेडिंग गिफ्ट के तौर पर वो उससे उसकी जमीन मांग लेगी और फिर उसे डम करके चली जाएगी। पर रिन उसकी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। इधर जान डैड से कहती है कि वो बैंकॉक जॉब करने के लिए जाएगी, डैड मना करते हैं तो जान उनसे झगड़ा कर लेती है और उनसे कहती है कि वो बैंकॉक जाकर रहेगी, तो वो शानू से इस बारे में दाव को बताने के लिए मना करती है। अगले दिन करण ओरका और दाव को बीच ले जाता है जहाँ वो सभी काफी एंजॉय करते हैं। दिन शाम को तीनों ड्रेसअप करके दाव की आंखों में पट्टी बांध कर दाव को बीच के पास ले जाते हैं और करण फाइनली दाव से शादी के लिए प्रपोज करता है, पर उसे रिंग पहनाने से पहले ही याडा वहाँ टपक पड़ती है और करण को रिन का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखा देती है। तो दाव भी खुद ही कन्फेस कर लेती है कि वो जान की बहन है और वो करण से बदला लेने के लिए आई है। तो करण उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और यहाँ करण उसे बताता है कि उसे तो स्टार्टिंग से ही पता था कि दाव जान की बहन है,
ये सुनकर दाव के साथ सभी शॉक्ड रह जाते हैं, पर वो देखना चाहता था कि आगे दाव कौन सा गेम खेलने वाली है उसके साथ। पर जितना वो दाव के साथ रहने लगा उसे दाव से सच में प्यार हो गया। तो करण फिर से घुटने पे बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर दाव उसे एक थप्पड़ मारती है और वो उससे शादी कभी नहीं करेगी कहती है, क्योंकि उसने जो उसकी फैमिली के साथ किया उसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती। तो दाव वहां से जाने लगती है। करण उसे रोकता है, उसे कहता है कि वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर दाव फिर भी जाने लगती है। तो और का उसे रोकता है, रोते हुए उसे रुक जाने के लिए कहता है। दाव को उसके लिए बुरा तो लगता है, पर वो उसे कहती है कि वो उसकी मॉम बनने की लायक नहीं है और वहां से चली जाती है। और का तो रोता हुआ रह जाता है। इधर शाव दैन को घर छोड़ने आता है और यह दाव को दैन के घर छोड़ने आता है। कहां दाव करण को अपने प्यार की ट्रैप में फंसा कर उसे डंप करने के लिए आई थी, पर वो तो खुद ही करण से प्यार कर बैठी। तो दोनों एक दूसरे को याद करते हैं और का भी दाव को मिस करता है। तो करण के घर वालों को भी पता चल जाता है कि दाव घर से चली गई, पर किसी को तो पता ही नहीं था कि वो क्यों चली गई। तो मम्मी जो रोज को लगने लगता है कि दाव करण को धोखा देकर भाग गई, इसलिए वो दाव को पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। दाव तो खाना वाना छोड़कर सैड बैठी हुई होती है। इस सिचुएशन में ये कहना तो नहीं चाहिए, पर अब दैंग भी शाव को लाइक करने लगी थी। उसी वक्त दैंग के घर पहुंच जाते हैं मम्मी जी और रोज, और उसे दाव को बाहर बुलाने के लिए कहती है। तो उनकी आवाज सुनकर दाव बाहर आ जाती है और आते ही मम्मी जी खींच कर उसे एक थप्पड़ मार देती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। तो दाव ने कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन को धोखा दिया, पर अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि वो जान की बहन है। तभी वहां करण पहुंच जाता है। तो दैंग और शाव मिलकर मम्मी जी और रोज को बाहर निकाल देते हैं और करण दाव को मनाने लग जाता है और उसे कहता है कि वो उसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए वो उसे एक मौका दे। प्यार तो दाव भी उससे करती थी, पर अपने पापा और जान के बारे में सोचकर करण से कहती कि वो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, वो तो बस नाटक कर रही थी। और उसे दोबारा अपनी शक्ल दिखाने से मना करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने विलेज चली जाती है, जहां वो अपने आंसू रोक नहीं पाती अपने पापा के सामने ही रोने लगती है और उन्हें बताती है कि वो बैंकों किसी ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि करण की फैमिली से बदला लेने के लिए गई थी, पर वो उनसे वो जमीन वापस नहीं ले पाई। दाव उन्हें करण से प्यार करने वाली बात नहीं बताती। मिस्टर संग दाव को रोता हुआ देख कर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि करण ने उसे हर्ट किया, इसलिए वो अपनी गन निकाल के करण को मारने जा रहे थे। दाव इंसानों से रोकते हैं। दाव ने झूठ बोल दी थी कि वो सिर्फ जमीन वापस नहीं ले पाने के लिए रो रही है। मिस्टर सैंग को डाउट होता है क्योंकि दाव रोने वाली लड़कियों में से नहीं है, तो वो इस बारे में दैंग से पूछते हैं, पर दैंग भी उन्हें यही बताती है। इधर याडा चली आती है रिन पे गुस्सा करने के लिए, क्योंकि रिन ने ही उसे दाव की वीडियो रिकॉर्डिंग दी थी, जिसकी वजह से करण अब याडा से गुस्सा हो गया है। तो याडा उसे मारने ही वाली होती है कि वहां कई सारे लोग आ जाते हैं, इस वजह से उसे जाना पड़ता है। तो रिन इस मौके का फायदा उठाने के लिए करण को कम्फर्ट करने के लिए पहुंचती है, पर करण तो उसे कोई भाव ही नहीं देता क्योंकि वो तो दाव के ख्यालों में ही डूबा हुआ है। तो रिन को दाव पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इधर और का तो खाना वाना छोड़ देता है, तो करण उसे प्रॉमिस करता है कि वो दाव को वापस लेकर आएगा। इधर दाव घर में सभी से जान को ये बात बताने के लिए मना करती है कि वो बैंकॉक में करण से बदला लेने के लिए गई थी। इधर रिन शान को जुए की लत लगा देती है, तो शान पैसे जीत कर ले जाता है रोज के पास और उसे वो पैसे करण के मुंह पे मार देने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वो जल्द ही अमीर बन जाएंगे, बस रोज को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो रोज करण को वो पैसे दे देती है क्योंकि उन्होंने पैसों की हेर फेर की थी, पर करण को उन पे डाउट होता है कि इतने पैसे उनके पास आए कहां से। तभी नैनी करण को बताती है कि ओरका ने अंदर से कमरे को बंद कर दिया है। तो करण भाग कर ओरका के कमरे के पास जाता है। अंदर ओरका जो कि दाव को कॉल लगाता है, पर उसका कॉल उठाते हैं मिस्टर सैंग। तो ओरका और मिस्टर सैंग की अच्छी खासी नोकझोंक चलती है। तभी दाव अपना फोन लेकर नीचे चली जाती है। ओरका जो उसे बार बार लौट आने का रिक्वेस्ट करता है, दाव कहती कि वो अभी नहीं आ सकती क्योंकि उसे अपने डैड का ख्याल रखना है और वो ओरका को अच्छी तरह से पढ़ाई करके अपने डैड का ख्याल रखने के लिए कहती है। तो ओरका भी अच्छे बच्चे की तरह रेडी होकर बाहर आ जाता है स्कूल जाने के लिए और करण को बताता है कि वो दाव से बात कर रहा था, जिसके बाद करण पहुंच जाता है सीधे दाव के घर हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए। मिस्टर सैंग तो उसमें बहुत ही ज्यादा भड़कते हैं। तो करण कहता है कि वो दाव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर मिस्टर सैंग उसे चुपचाप से निकल जाने के लिए कहते हैं वरना वो उसे शूट कर देंगे। करण नहीं चाहता तो वो अपनी गन लेकर आ जाते हैं और दाव उन्हें रोकती है। तो करण उनके जमीन का अग्रीमेंट फाड़ देता है और उनकी जमीन के पेपर्स उन्हें लौटा देता है। तो मिस्टर सैंग उसे जाने के लिए कह देते हैं और दाव को लेकर वो चले जाते हैं। तो करण सैड होकर वापस चला जाता है, पर दाव भी काफी सैड हो जाती है। तो उसकी इस हरकत की वजह से करण के डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, उसे उसके पोजीशन से भी निकाल देते हैं। पर मम्मी जी को करण की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। इधर करण के सारे प्रोजेक्ट संभालने की जिम्मेदारी रोज और शान को मिल जाती है, जिस वजह से ऑफिस में शान तो फुल बॉसगिरी झाड़ने लगता है और इनको बताता है कि अब ये कंपनी उनकी है और वो जल्द ही रोज को भी अपने रास्ते से हटा देगा। तो ओरका इस बात की खबर दाव को देता है। दाव उसे अपने डैड का ख्याल रखने के लिए कहती है, पर ओरका ने दाव को तो अपनी मॉम मान ही लिया था, इसलिए वो अपने मॉम डैड को मिलाने के लिए करण के लिए एक नोट छोड़कर दाव के गांव पहुंच जाता है। तो ओरका अपनी नानी के साथ वहां आया था, जिस बारे में दाव को पता लगने पर वो भागकर घर पहुंचती है। उसे देखकर ओरका बहुत ही खुश होता है। तो उसके डैड पूछते हैं कि ये छोटा बच्चा कौन है। तो ओरका उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो करण का बेटा है। तो मिस्टर सैंग और ओरका में अच्छी खासी नोकझोंक चलती रहती है। तो दाव उन दोनों को अपने घर के अंदर ले जाती है और उन्हें खाना वाना खिलाने के बाद दाव उन्हें लौट जाने के लिए कहती है, पर ओरका कहता है कि उसे तो अभी खेलने जाना है। मिस्टर सैंग को गुस्सा आता है, पर ओरका उन्हें अपनी जीभ निकाल कर चिढ़ाने लग जाता है। दाव उन्हें अपना प्लांटेशन दिखाने ले जाती है। तो ओरका और नैनी खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी वहां पे करण आ जाता है। दाव उसे वापस चले जाने के लिए कहती है, पर करण उसे माफी मांगता है, पर दाव उसे कोई बात ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जाने लगती है। पर करण उसे रोकता है। दाव नहीं रुक रही होती, इसलिए वो उसे फोर्सफुली किस करता है। बदले उसे दाव का एक थप्पड़ खाना पड़ता है, पर करण तो जाने का नाम ही नहीं लेता। दाव उसे कहता है कि वो उसे लिए बिना तो वापस नहीं जाएगा, चाहे उसे मिस्टर सैंग की गोली ही क्यों ना खानी पड़े। दाव उसे कहती है कि अगर तुम्हें मरने की बहुत जल्दी
लिए तो अभी रुको यहीं पे। क्या कर वो चली जाती है। इधर और का खेलते हुए एक लड़की से मिलता है, तो वो उस पे अपने प्ले बॉय वाली स्किल से लाइन मारने लगता है। इधर दाव एक गन लेकर चली आती है और करण से कहती है तुम्हें ही तो मरने का शौक था, तो फिर यहीं पे रुक के दिखाओ। करण कहता है मजाक छोड़ भी दो। दाव एक अमरूद पे सच में फायर कर देती है और तीन तक गिनने लगती है, पर तीन आने से पहले ही करण दुम दबाकर भागने लग जाता है। इधर और का उस लड़की के पीछे अभी भी पड़ा हुआ था, तो वो लड़की अपना गुलेल निकालती है और तीन तक काउंट करने लगती है, तो और का भी डर के मारे भाग जाता है। इधर करण भागते भागते थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, पर दाव वहाँ भी आ जाते हैं, उस पर बंदूक तान देती है। तो करण भागते हुए एक तालाब में घुस जाता है जिसकी वजह से उसके कपड़े भींग जाते हैं, तो दाव उसे अपने डैड का गमछा पहनने के लिए दे देती है, पर डैड तो उसका गमछा खोलने के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो उसे उसके कपड़े सूखने तक का टाइम देते हैं और उसे बाहर ही खड़ा रहने के लिए क्या कर दाव को अपने साथ ले जाते हैं, पर और का उसके डैड के कपड़े सुखाने की जगह पानी में भिंगा कर चला जाता है और दाव को घर वापस चलने के लिए मनाने आ जाता है, पर दाव कहती है वो उसके घर वापस नहीं आ सकती क्योंकि उसे अपने डैड का ख्याल रखना है। मिस्टर सैंग करण को अपने कपड़े दे देते हैं और करण उन्हें बता देता है कि वो दाव को सच्चे दिल से प्यार करता है, पर मिस्टर सैंग उसे कहते हैं कि वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद वो लोग जाने लगते हैं तो और का बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है और उन्हें जाता देख कर दाव भी बहुत रोती है, तो मिस्टर सैंग समझ जाते हैं कि दाव भी करण से प्यार करती थी इसीलिए वो जब आई तब वो रो रही थी। दाव उनसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगते हैं, उसे कहती है वो उसे जल्दी ही भूल जाएगी। इधर शान गैम्बलिंग अड्डे के मालिक के साथ प्लान बनाकर रोज को भी जुए की लत लगा देता है। इधर बाप बेटे तो अभी भी हार नहीं मानते और वो दोनों ठान लेते हैं कि वो दाव को घर वापस लेकर ही आएंगे। इधर शान तो अपने ससुर जी के सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करने लगता है, उसे इस तरह देखकर मम्मी जी को थोड़ा डाउट होता है, पर डैड कहते हैं कि शायद वो अपनी जिम्मेदारी समझ गया। करण उसे वार्न करता है कि अगर उसने उसके फैमिली के साथ कुछ भी गलत किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, तो करण अपने ऑफिस से सारा सामान लेकर आ जाता है। सारे एम्प्लॉयज उसके लिए सैड होते हैं। इधर रिन पे अभी भी करण के प्यार का भूत सवार था, तो वो उसे अपना लव कन्फेस करती है, पर करण से कहता है कि वो सिर्फ उसे अपना फ्रेंड मानता है, वो तो सिर्फ प्यार दाव से करता है, हमेशा उसी से करता रहेगा। तो रिन को करण पे गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि वो बहुत पछताएगा। तो रोज अपने गैम्बलिंग से जीते हुए पैसों से बहुत सारी चीजें खरीद लेती है और अब वो और ज्यादा गैम्बलिंग करना चाहती है ताकि वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सके। तो शान गैम्बलिंग अड्डे के मालिक को कॉल करके कहता है कि मछली जाल में फंस चुकी है तो प्लान शुरू करो। इधर करण फिर से दाव से मिलने के लिए पहुंच जाता है और उसे फिर से अपने साथ वापस चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। दाव उसे मना करती है, उसे जल्दी से वापस लौट जाने के लिए कहती है, करण नहीं चाहता, उसे इमोशनली मनाने लग जाता है। दाव के डैड उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं, तो वो अपनी गन लेकर आ जाते हैं और करण को वापस लौट जाने के लिए कहते हैं, पर करण कहता है कि वो दाव को लिए बिना वापस नहीं जाएगा, तो मिस्टर सैंग उस पर बंदूक तान देते हैं। दाव उसके आगे आ जाती है, तो मिस्टर सैंग अपने पंटर से दाव को पकड़ के ले आने के लिए कहते हैं, तो वो दाव को लाने के लिए जाता है, पर वो दाव की लात खाता है, पर वो कैसे भी करके दाव को मिस्टर सैंग की तरफ ले आता है। मिस्टर सैंग करण को आखिरी मौका देते हैं चले जाने का, पर करण अपनी जिद पे अड़ा हुआ होता है, तो मिस्टर सैंग गुस्से में आकर उसे शूट कर देते हैं, तो दाव उसके पास भाग कर जाती है। ये दाव का सपना था, पर उसे करण की काफी फिक्र होती है और उसे मिस भी करती है। करण दाव को मैसेज करता है, पर दाव कोई रिप्लाई नहीं करती। इधर रिन गुस्से में आकर जान को सब कुछ बता देती है कि करण की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि दाव है, पर उसे पूरी बात नहीं बताती कि वो यहाँ उनके लिए बदला लेने के लिए आई थी। जान तो इतना सुनकर ही फुल शॉक्ड रह जाती है और बहुत ही दुखी हो जाती है, ये सोचकर कि उसकी बहन ने उसे चीट किया। ये सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और रिन ये सब देख कर खुश हो रही थी, पर रिन का खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो दाव को मैसेज करती कि वो अपनी जान देने जा रही है, तो दाव उसे कॉल करती है। रिन जो कि मेकअप लगा रही थी उसका कॉल पिक करके रोने धोने लग जाती कि वो अपनी जान दे देगी, उसे अब जीना ही नहीं है। दाव उसे पूछती कि आखिर उसे हुआ क्या और वो कहाँ है अभी। तो दाव सानू पहुंच जाते उसके घर उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए। रिन तो खतरनाक एक्टिंग कर रही थी सुसाइड करने की, तो दाव उसे पूछती कि आखिर मैटर क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही है। तो रिन उसे बताती कि करण ने उसे कहा था कि वो उससे प्यार करता है तो शादी करेगा, दोनों कुछ टाइम तक रिलेशन में भी थे, पर अब उसने रिन को छोड़ दिया इसलिए वो सुसाइड करना चाहती है। दाव को इस बात पे बिलीव नहीं होता, तो रिन उसे करण जब उसे घर छोड़ने के लिए आया था उस टाइम की वीडियो फुटेज दिखा देती है। रिन रोने की जो खतरनाक एक्टिंग कर रही थी उसे देखकर दाव को उस पे बिलीव हो जाता है, क्योंकि ये बात तो उसे भी पता है कि करण तो एक प्लेबॉय है। तो दाव सीधे पहुंच जाती है करण के घर, उस पे बहुत गुस्सा करती है, उसे बहुत कुछ सुनाती है। करण उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, पर दाव उसकी कोई बात नहीं मानती। इवन सानू तो करण की धुलाई भी करने वाला था, पर दाव उसे रोक लेती है और वो सानू के साथ वापस चली जाती है। उसे कहती है कि वो इस बारे में उसके पापा को कुछ ना बताए। इधर रोज जुए में सारा पैसा हार जाती है, तो गैम्बलिंग क्लब का ओनर उसे लोन ऑफर करता है, पर इसके बदले उसे गारंटी के तौर पर उसे किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स देने पड़ेंगे। तो रोज अब इतनी बड़ी गैम्बलिंग एडिक्ट बन चुकी थी कि वो अपने घर के पेपर्स ही चुरा लेती है अपने पापा के लॉकर से, और उसमें जितने भी डायमंड नेकलेसेस थे वो सभी ले लेती है। तो शाओ डेंग को रिन के कांड के बारे में बताता है। तो डेंग और शाओ रिन का पर्दाफाश करने के लिए यांडा को बुलाते हैं। शाओ उसे बेस्ट मॉडल बनाने का प्रॉमिस करता है और उसके बदले रिन का पर्दाफाश करने में उसकी मदद मांगते हैं। यांडा अपने काम पे लग जाती है, वो रिन को उकसाकर उसके मुंह से ही सारी सच्चाई उगलवा लेती है, उसे रिकॉर्ड भी कर लेती है और डेंग वो रिकॉर्डिंग सुनाती है दाव को। दाव तो ये बिलीव ही नहीं कर पाती कि रिन ने उसके साथ धोखा किया। तो डेंग उसे कहती है कि करण तुमसे सच्चा प्यार करता है, तुम भी उसे सच्चा प्यार करती हो, तुम्हें अब उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर दाव कहती कि वो दोनों अब कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि उसने जो उनकी फैमिली के साथ किया उसके लिए उसके पापा उसे कभी माफ नहीं करेंगे।
करेंगे। और दाव अब अपने पापा को और सैड नहीं करना चाहती है क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी बहुत ही दुख झेली है। तो शाहूकरण को ये खुशखबरी देता है कि दाव को अब सब सच पता है कि तूने कोई गलती नहीं की। तो करण एक्साइटमेंट में पहुंच जाता है सीधे दाव के गाँव और दाव से जाकर कहता है कि अब तो तुम्हें सब सच पता है, इसलिए तुम मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो और हम फिर से अपनी नई शुरुआत करते हैं। पर दाव से कहती है कि अगर वो उसे माफ कर भी देगी पर वो उसे प्यार नहीं कर सकती। करण उसे काफी मनाने की कोशिश करता है पर दाव से कहती है कि अब वो उसे प्यार नहीं करती, उसे करण से नफरत हो गई है। ये कहकर वो उसे भगाने के लिए शानू के गले लग जाती है। ये देखकर करण तो चला जाता है पर दाव बहुत ज्यादा रोने लगती है। इधर गैम्बलिंग क्लब का ओनर रोज से लोन देने के लिए अग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहता है। अग्रीमेंट काफी बड़ा था तो वो उसे पढ़ने के लिए कहता है पर रोज पे तो जल्दी से पैसा जीतने का भूत सवार था, इसलिए वो कहती है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर शानू उसका पूरी तरह से भरोसा जीतने के लिए अग्रीमेंट पढ़ने की एक्टिंग करने लगता है और वो जानबूझकर काफी टाइम लगा रहा होता है, जिससे रोज परेशान होकर अग्रीमेंट उसे छीन लेती है, साइन कर देती है। अब उस एग्रीमेंट में क्या कुछ लिखा हुआ था इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब शान कंपनी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए एक माफिया वाले को अपने बिजनेस पार्टनर बना लेता है। जब इस बारे में करण को पता चलता है तो वो अपने डैड से इसके बारे में बात करने जाता है कि शान कोई गड़बड़ कर रहा है, वो आदमी बिल्कुल सही नहीं है। पर डैड उसकी कोई बात नहीं मानते, इवन वो उसे कहते हैं कि उन्हें उसकी कोई सलाह नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि वो अभी भी करण से गुस्सा थे, पर अभी तो उन्हें नहीं पता कि आगे इस वजह से उनके साथ क्या होने वाला है। इधर दाव को खुश करने के लिए सभी लोग उसके लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं जो काफी हद तक सक्सेसफुल होती है और दाव कुछ टाइम के लिए ही सही पर वो खुश होती है। इधर शान करण के डैड को लड़कियों के बीच फंसा कर उनसे काम के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के बहाने उनकी कंपनी को ही अपने नाम करवा लेता है। इधर रोज अपना डायमंड नेकलेस देकर अपने पेपर्स छुड़ाने आती है पर अब गैम्बलिंग क्लब का ओनर अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है और उसे बताता है कि उसके साइन किए हुए अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अभी भी उसका 50 मिलियन बाट का उधार बाकी है। सुनकर रोज फुल शॉक्ड रह जाती है और उसे चीटर बुलाती है। तो ओनर उसे धमकी देता है कि अगर उसने एक दिन के अंदर उसका पैसा नहीं लौटाया तो वो उसके घर को कब्जा कर लेगा। इधर रिन तो अब शान के साथ सेटल होने का सोच रही थी। अगले दिन शान करण के डैड को कंपनी से निकाल देता है और इधर गैम्बलिंग क्लब का ओनर पहुंच जाता है उनके घर और सबको बाहर निकाल देता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसका पैसा नहीं चुकाया तो उनका घर तो जाएगा ही, साथ में उनकी जान भी जाएगी। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मिस्टर साग को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो करण वहां पहुंचता है अपनी मॉम और बहन को कंसोल करता है। तो रोज अपने डैड से माफी मांगती है क्योंकि ये सारा कुछ तो उसी की वजह से हुआ। शान उनके इस हालत का मजा लूटने के लिए आता है तो रोज और मम्मी जी उस पे झपट पड़ते हैं पर वो उन दोनों को ही जमीन पे गिरा देता है। करण उसे खींच के एक पंच मारता है तो शान दुम दबा के भाग जाता है। रोज तो अब पूरी तरह डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी और उसे शान पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इधर दैंग इस कांड के बारे में दाव को बताती है और साथ में उसे ये भी बताती है कि रेन और शान का कुछ चक्कर चल रहा है। दाव को करण उसके फैमिली की काफी फिक्र होती है। इधर करण और उसकी फैमिली एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गई थी जहाँ सभी अपनी नई शुरुआत करने का डिसाइड करते हैं। इधर और का बीमार होने का नाटक करके दाव को उनके घर लाने का प्लान बनाता है पर उसकी नानी की बेवकूफी की वजह से उसका प्लान चौपट हो जाता है, इसलिए और का कोई उसे बात करनी पड़ती है। तो दाव से उसके ग्रैंडपा और बाकी सब के बारे में पूछती है। उनकी बातें चली रही होती है कि मिस्टर सैंग आकर दाव से फोन छीन लेते हैं और इसी वक्त और का से करण फोन छीन लेता है। तो तब जल्दी से कॉल कट कर देती है और मिस्टर सैंग दाव को करण की फैमिली से दूर रहने के लिए कहते हैं पर करण और दाव एक दूसरे को काफी मिस करते हैं। इधर रोज को रिन की एक फोटो मिलती है जिसमें उसने रोज की डायमंड नेकलेस पहनी हुई थी, जिसे देख कर वो समझ जाती है कि शान और रिन का कोई चक्कर चल रहा था और उसे धोखा देने में रिन ने भी उसका साथ दिया था। तो अब वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सीधे पहुंच जाते रिन के घर। उसे देख कर दोनों तो घबराए जाते हैं। तो रोज रिन के चेहरे पे एसिड फेंक देती है और शान को गोली मार देती है जिस वजह से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। पर फिर भी वो शान को गले लगाकर रोने लग जाती है क्योंकि चाहे कुछ भी हो रोज ने उससे सच्चा प्यार किया था। तो कुछ ही देर बाद रोज की गिरफ्तारी की न्यूज आती है कि उसने अपना गुनाह मानकर सरेंडर कर दिया है। पूरी फैमिली तो शॉक्ड रह जाती है। तो सभी लोग जल्दी से पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन जहां ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि रोज को मौत की सजा सुनाई जा सकती है पर उसके सरेंडर को ध्यान में रखते हुए उसे पूरी जिंदगी जेल में डाल दिया जा सकता है। तो इस बारे में वो लोग रोज को बताते हैं। वो तो रो रो कर अपना बुरा हाल बना लेती है पर करण उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी सजा कम करवाने का पूरी कोशिश करेगा। इधर जब मिस्टर सैंग को करण की फैमिली की हालत के बारे में पता चलता है वो तो बड़े खुश हो जाते हैं। इवन वो कहते हैं कि उनकी फैमिली के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पर दाव करण और करण की फैमिली को लेकर परेशान होती है। तो करण अपने लॉयर फ्रेंड से बात करता है जो उसे बताता है कि वो पूरी कोशिश करेगा उसकी सजा कम करवाने के लिए और उसे ये बात भी बताता है कि जेल में उसके बिहेवियर को देखते हुए उसकी सजा और भी कम हो सकती है। मॉम तो बहुत ज्यादा रो रही होती है इसलिए दोनों उन्हें कंसोल करते हैं। तो दाव बैंकॉक में डिलीवरी का बहाना करके करण के नए घर पहुंच जाती है उससे मिलने के लिए और करण उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। पर उसकी मॉम तो उस पर चढ़ जाती है और ऐसे सिचुएशन में भी उस पर गुस्सा करती है और उन्हें अपने साथ ले जाता है ताकि करण और दाव को अकेले बात करने का टाइम मिले। तो करण उसे अपने साथ रुकने के लिए कहता है और फिर से नई शुरुआत करने की बात करता है पर दाव भी वही कहती है कि अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हम दोनों को यहीं सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। पर करण कहता है कि मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, फिर ये कैसे नहीं हो सकता। इस पे दाव कहती है कि हमारी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स है वो कभी खत्म नहीं होंगे। करण कहता है हम दोनों मिलकर सब कुछ सही कर देंगे पर दाव कहती है कि ऐसा वो अब नहीं कर सकती और वो करण को मूव ऑन करने के लिए कहकर चली जाती है। दाव जाती है दैंग से मिलने जहां वो दोनों रिन के बारे में बात करते हैं। दाव कहती है शायद रिन की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो भी है और रिन के लिए ही बुरा लगता है। तभी वहाँ शाह पहुंच जाता है और दाव को देखकर उसे कहने लगता है कि मेरा दोस्त बहुत ही खराब हालत में है तो प्लीज तुम उसे सपोर्ट करो और उसका साथ दो क्योंकि उसे अभी तुम्हारा ही साथ चाहिए। जिसके बाद दैंग शाह के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि वो दोनों अपने अपने फ्रेंड को खुश करने के लिए सब कुछ करेंगे। इधर अगले दिन जान दाव की तरह
ड्रेसअप होकर आती है और काकी स्कूल और उसे दाऊ से मिलवाने के बहाने अपने साथ ले जाती है। दाऊ रिन को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है। रिन का चेहरा पूरी तरह जल चुका था, जिसे देखकर दाऊ को ही उसके लिए बहुत बुरा लगता है और इनकी कंडीशन तो और भी ज्यादा खराब हो जाती है। रिन तो अभी भी दाऊ को इसकी जिम्मेदार ठहरा रही होती है। दाऊ से हिम्मत न हारने के लिए कहती है, पर रिन तो उसी पे अटैक करने लग जाती है, इसलिए दंग दाऊ को वहां से चलने के लिए कहती है। इधर कर्ण स्कूल पहुंचता है और काकू लेने के लिए, जहाँ टीचर उसे बताती है की और काकू दाऊ ले गई है, क्योंकि दूर से देखकर उन्हें भी लगा की वो दाऊ है। तो कर्ण दाऊ को ढूंढने के लिए निकलता है। उसकी मामा से कॉल करके बताते हैं कि रोज की सजा कम हो गई है और उसके बिहेवियर को देखते हुए और भी कम हो सकती है। देन करण दंग को कॉल करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि और का दाऊ के साथ नहीं है। तो जान और का को लेकर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में आती है, जहाँ वो उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है कि वो दाऊ की छोटी बहन है पर उससे कोई प्यार नहीं करता। इधर दाऊ को भी और का के गायब होने के बारे में पता चलता है तो वो परेशान होती है। करण पुलिस में एफआईआर लिखाता है। इधर जान और का के साथ गेम खेल रही होती है। जान और का के साथ खेलने के बहाने उसे डराने की कोशिश करती है, पर हमारा और का डरने वालों में से नहीं था। जान उसे पानी में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर पिला देती है और वो करण को यहाँ बुलाती है। तो करण जल्दी से इस जगह पे पहुँचता है और वो जान से कहता है कि अगर वो उससे गुस्सा है तो वो अपना गुस्सा उसी पे उतारे और ओरका को छोड़ दे। जिस पे जान कहती है कि उसने अभी तक ओरका के साथ कुछ भी नहीं किया, वो बस करण का प्यार चाहती है, जिसके बदले वो उसे ओरका लौटा देगी। पर करण कहता है कि वो उसे प्यार नहीं कर सकता। तभी वहाँ दाऊ भी पहुँच जाते जिसे जान नहीं बुलाया था। जान तो दाऊ से बहुत नाराज थी, वो अपना रोना धोना चालू कर देती है और उसे कहती कि मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, ना ही तुम, ना ही डैड और ना ही करण, और जिसे मैं प्यार करती थी उसे तुमने छीन लिया। दाऊ से समझाने की कोशिश करती कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने फैमिली के लिए किया और वो अब करण से प्यार नहीं करती। जान को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता। वो एक गन निकालती है और अपने आप को मारने की धमकी देती है और उन दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों ने कहा कि तुम एक दूसरे से नफरत करते हो तभी वो अपने आप को हर्ट नहीं करेगी। दाऊ तो कह देती है कि वो करण से नफरत करती है, पर करण कहता है कि वो सिर्फ दाऊ से ही प्यार करता है। जान फिर से बहुत सैड हो जाती है, अपने आप को गोली मारने की कोशिश करती है और करण और दाऊ से रोकने लगते हैं और उसे रोकने के चक्कर में करण को गोली लग जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दाऊ तो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और करण के ठीक हो जाने का प्रे करने लगती है। इधर जान को हो जाती है जेल। मिस्टर सेंग और सानू उसे मिलने आते हैं। जान वही अपना रोना धोना चालू कर देती है कि उन्होंने कभी उससे प्यार नहीं किया, वो तो दाऊ को ही सिर्फ अपनी बेटी मानते हैं और दाऊ भी उससे प्यार नहीं करती। सानू और मिस्टर सेंग उसे बताते हैं कि तुमसे सबसे ज्यादा प्यार तो दाऊ ही करती है, क्योंकि जब उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी तब दाऊ ने अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर फैमिली के लिए काम करना शुरू किया ताकि कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि वो चाहती थी कि जान अच्छी तरह से पढ़ लिख ले और सक्सेसफुल बने, इसलिए मिस्टर सेंग भी दाऊ को ज्यादा मानते थे। फाइनली मिस्टर सेंग को भी रियलाइज होता है अपनी गलती की, उन्होंने जान के साथ सही नहीं किया और जान भी समझ जाती है कि उसने तो काफी गलत किया दाऊ के साथ। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जान दाऊ और डैड के साथ अच्छे से रह रही होती है। करण ने जान पे केस नहीं किया था, इसलिए बस उसे पेनल्टी भरनी पड़ी और वो जेल से बच गई। जान अपनी हरकतों की वजह से दोनों से माफी मांगती है और तीनों अब हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। जान ने करण को भी माफ कर दिया है, पर मिस्टर सेंग ने अभी तक माफ नहीं किया था। दाऊ अपने डैड से कहती है कि वो करण से मूव ऑन कर चुकी है, पर वो तो अभी तक करण को भूल ही नहीं पाई। इधर करण भी दाऊ को बहुत मिस करता है तो और का अपने डैड को इतना परेशान देकर उनसे कहता है कि वो दाऊ को उनके लिए वापस लेकर आएगा, पर करण उसे मना कर देता है, उसे ये कहते हुए कि उसकी फैमिली शायद मुझसे नफरत करती है और मुझसे नाराज भी है, क्योंकि मैंने उनके साथ गलत किया है और गलती करने वालों को तो सजा मिलती है, इसलिए मुझे डटकर इसका सामना करना पड़ेगा। तो करण को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है, इसलिए करण अपना फुल फोकस अपने काम पे लगाता है और अपनी फैमिली की हालत सुधारता है। ऐसे ही कुछ और टाइम बीत जाता है और दाऊ का बर्थडे आने वाला होता है। और का तो काफी एक्साइटेड होता है, वो अपने मैचिंग टी शर्ट लेकर करण के पास आता है और उसे कहता है कि उन्हें दाऊ को सरप्राइज देना चाहिए क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है। इस पे करण कहता है कि हमारे ऐसे करने से दाऊ को अच्छा नहीं लगेगा और दाऊ के डैड भी गुस्सा करेंगे। इस पे और का कहता है कि वो तो बहुत ही बुरे हैं, मुझे वो ग्रैंडपा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो करण उसे समझाता है कि जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो वैसे दाऊ अपने डैड से प्यार करती है, इसलिए वो अपने पापा को सैड नहीं देख सकती, इसलिए अब से हम तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे और उन्हें खुश करेंगे। वहीं इन दोनों की बातें और का के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी सुनते हैं तो और का अपने डैड से कहता है कि पी दाऊ के बिना तो आप खुश नहीं रहेंगे, फिर आपकी खुशी का क्या होगा, इसलिए मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। तो मम्मी जी और पापा जी उनकी बातें सुनकर फाइनली उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है और अगले दिन वो सारे पैकिंग शैकिंग करके रेडी हो जाते हैं दाऊ के घर जाने के लिए, ताकि वो सब मिलकर अपने फ्यूचर डॉटर इन लॉ को उसके ससुराल ला सके। पूरी फैमिली पहुंच जाती है दाऊ के घर के बाहर और हल्ला मचाने लग जाती है। दाऊ के डैड उन पे बहुत गुस्सा करते हैं कि उन्होंने उससे पहले ही कहा था कि वापस ना आने के लिए, पर करण कहता है कि वो दाऊ को लिए बिना वापस नहीं जाएगा, इवन वो उसे ससुर जी भी बुलाता है। ये सुनकर मिस्टर सेंग को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी गन लेकर नीचे चले जाते हैं। तो करण उनसे कहता है कि चलाइए गोली अगर आप में दम है तो, मैं एक बार गोली खा चुका हूँ इसलिए मुझे पता है उसका दर्द कैसा होता है, पर वो दर्द दाऊ से दूर रहने से ज्यादा नहीं है, इसलिए चलाइए गोली। तो दाऊ बाकी सब मिलकर उसके डैड को रोकते हैं। तो मिस्टर सेंग कहते हैं कि पिछली बार तो तुम मरते मरते बचे थे, पर इस बार जरूर मरोगे। वो फिर से अपनी बंदूक तान देते हैं। तो करण के डैड कहते हैं कि हमें कोई डर नहीं है, हम तो अपनी बहू को लिए बिना वापस नहीं जाएंगे, आप में दम है तो चलाइए गोली। तो मिस्टर सेंग हवा में फायर करने के बाद उन पे गोली चलाने ही वाले थे कि उन्हें दाऊ बाकी सब मिलकर रोक लेते हैं और उन्हें पीछे ले जाने लगते हैं, पर जैसे ही वो सामने देखते हैं कि सब गायब, करण और उसकी फैमिली पूरी गायब हो गई थी। तो मिस्टर सेंग कहते हैं कि देखा कितने डरपोक झूठे हैं, ये सब कह रहे थे दाऊ को लिए बिना नहीं जाएंगे पर अभी दम दबाकर भाग गए, अगर ये सारे मुझे फिर से दिख गए तो मैं इन सबको गोलियों से छल्ली कर दूंगा, ये कहकर डैड चले जाते हैं। जान दाऊ से कहती कि आपने हमारे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, इसलिए अब बस आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। जान के जाने के कुछ देर बाद करण विंडो से उसके रूम में आ जाता है और आते ही भाई का तो रोमांस चालू हो जाता है। अगली सुबह मिस्टर सेंग उठकर बाहर निकलते हैं, देखते हैं
हैं कि उनके घर के बाहर कई सारे टेंट्स लगे हुए हैं। तो वो नीचे जाकर जल्दी से उन सबको वहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं, पर तभी वो टेंट्स में नोटिस करते हैं कि करण तो इनमें से किसी में भी नहीं है। और मिस्टर सिंह जब दाव के रूम के विंडो की तरफ देखते हैं तो वो होता है खुला हुआ, तो वो सीधे पहुंच जाते हैं दाव के रूम और वो उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। वो तो ऑलरेडी अपना गन लेकर आए थे, तो दाव ने रोकती है करण को बाहर निकल जाने के लिए कहती है। करण भागता हुआ निकल पड़ता है रास्ते की तरफ और करण के डैड भी उसके पीछे पड़े हुए थे और फायरिंग भी कर रहे थे। तो करण भागता हुआ एक लकड़ी के ऊपर चलकर एक कैनल को पार करता है। करण उस पार से उनसे बात करने लगता है कि प्लीज आप मुझे और मत भगाइए, पर मिस्टर सैंग कहते हैं कि रुक जा बेटा, अभी तो तुझे गोली भी खानी है। ये कहकर वो उस लकड़ी के ऊपर चल के कैनल पार करने की कोशिश करते हैं, पर वो लड़खड़ा कर कैनल में गिर जाते हैं। तो करण उन्हें ले जाकर घर पहुंचाता है और दोनों फैमिली मीटिंग में बैठती है। तो मिस्टर सैंग करण पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी, पर दाव करण को सपोर्ट करते हुए कहती कि अगर आप उसके पीछे नहीं भागते तो आपको चोट ही नहीं लगती। तो मिस्टर सैंग उसे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो करण उनसे कहता है कि वो क्या है ना ससुर जी, मैं दाव का हस्बैंड हूं ना, इसलिए वो मुझे सपोर्ट कर रही है। ये सुनकर मिस्टर सैंग को तो बहुत बड़ा झटका लगता है, उसे पूछता है क्या कहा तुमने। तो करण फिर से रिपीट करता है कि मैंने कहा कि दाव आपकी बेटी है पर फिर भी वो मुझे सपोर्ट कर रही है क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूं। तो मिस्टर सैंग शॉकिंगली दाव से पूछते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो दाव भी कहती है कि करण झूठ नहीं बोल रहा है, वो तो ऑलरेडी करण की वाइफ है। ये सुनकर ससुराल वाले तो हल्ला मचा देते हैं। तो ये सुनकर मिस्टर सैंग को होता है बड़ा गुस्सा, वो जाकर करण का गला ही दबा देते हैं। तो दाव आकर उन्हें छुड़ाती है। मिस्टर सैंग दाव से पूछते हैं क्या इसने तुम्हें फोर्स किया, एक बार बस तुम हाँ कहो फिर मैं इसे जान से मार दूंगा। पर दाव उन्हें बता देती है कि उसने जो भी किया वो विलिंगली किया। अब ये सुनकर मिस्टर सैंग तो बेहोश हो जाते हैं। तो मिस्टर सैंग होते हैं दाव से नाराज, दाव उन्हें समझाने जाती है पर मिस्टर सैंग कहते हैं कि वो उनके रिलेशन को अलाउ नहीं करेंगे। तो दाव जाती है करण से बात करने, वो उसे कहती है कि तुम्हें वो सब बोलने की क्या जरूरत थी, अब तो तुमने डैड के साथ और भी बड़ा पंगा कर लिया। पर करण कहता है कि हम दोनों साथ मिलकर उन्हें मना ही लेंगे, पर दाव कहती है कि अभी मेरे डैड बहुत ही गुस्से में तो तुम सब वापस चले जाओ। पर करण कहता है कि वो वापस नहीं जाएगा, अगर वो वापस चला गया तो मिस्टर सैंग उसे बुजदिल समझेंगे, इसलिए वो जब तक उन्हें मना नहीं लेता तब तक वो यहीं पे रहेगा और दाव को लेकर ही वापस जाएगा। तो हो चुकी थी रात, मिस्टर सैंग को करनी थी एक बात, वो करण को साफ साफ इनकार कर देते हैं कि वो इन दोनों के रिलेशनशिप को नहीं मानेंगे बल्कि वो तो शानू के साथ दाव की शादी करवा देंगे। पर तभी उन्हें मिलता है सबसे बड़ा झटका, दाव को आती है उल्टी और वो उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ससुराल वाले तो खुशी से हल्ला मचाने लग जाते हैं और मिस्टर सैंग हो जाते हैं डिप्रेस क्योंकि अब तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो मिस्टर सैंग करण और उसकी फैमिली का टेस्ट लेते हैं जो कि था उनके प्लांटेशन में उनसे बहुत सारा काम करवाने का, पर टेस्ट तो एक बहाना था, वो चाहते थे कि वो उन सबसे इतना काम करवाएंगे इससे डर के मारे वो सारे भाग जाएं। तो उन सभी को काम पे लगा देते हैं पर बहुत ही जल्दी वो सारे थक जाते हैं। तो मिस्टर सैंग करण से कहते हैं कि अगर तुम्हें एक फार्मर की बेटी चाहिए तो तुम्हें फार्मिंग सीखनी पड़ेगी वरना पहली फुर्सत में निकल। अब इस बात को लेकर करण के डैड और दाव के डैड में हो जाता है महायुद्ध। तो दोनों फैमिली अपने अपने डैड्स को रोकने की कोशिश करते हैं, जब वो दोनों फिर भी नहीं रुकते तो बीच में ओरका को आना पड़ता है। तो दोनों डैड अकड़ दिखाते हुए अलग अलग चले जाते हैं और सारे लोग फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो काम करते हुए करण और दाव का रोमांस चल ही रहा था कि बीच में आ जाते हैं मिस्टर सैंग, जिस वजह से फिर से उन्हें अपना काम करने लग जाना पड़ता है। पर आखिर में सारे लोग बहुत ही मस्ती के साथ काम करने लगते हैं, पर आखिरकार मिस्टर सैंग दाव का हाथ करण के हाथ में देने के लिए मान ही जाते हैं और वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दाव अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी तो करण आकर उसे चेयर अप करता है, उसकी मॉम से कहता है कि वो उनकी बेटी से बहुत प्यार करता है और हमेशा दाव को खुश रखेगा। तो करण दाव को प्रपोज करता है, वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो करण अपनी बारात लेकर पहुंच जाता है दाव के घर और सारे रस्मों रिवाजों के साथ इन दोनों की शादी हो जाती है। या और इनकी भी धीरे धीरे लव स्टोरी शुरू होती है। शाह और देंग की तो लव स्टोरी चली रही थी पर अब एक और कपल इस लिस्ट में जुड़ जाते हैं जो कि हैं जान और शानू। देन ये दोनों अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लेने के बाद अपने रूम में जाते हैं। करण तो बड़ा एक्साइटेड होता है पर ओरका उसकी एक्साइटमेंट में पानी फेर देता है क्योंकि वो कहता है कि आज वो उन दोनों के साथ सोएगा। तो इसी तरह दाव के गाँव में उनका कुछ टाइम बीतता है, उसी बीच ओरका भी उस लड़की के साथ अपना सेटिंग करने लगता है। कुछ टाइम बाद करण दाव को सरप्राइज देने के लिए उसी बीच हाउस को खरीद लेता है और वहीं पे वो तीनों और उनका आने वाला नया फैमिली मेंबर खुशी से रहने लगते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो जल्दी ही मैं आपके लिए एक और नया ड्रामा लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आप मेरे सेकंड चैनल के ड्रामा प्लस में ड्रैगन डे योर डेड सीजन 3 एंजॉय कर सकते हैं। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में और मेरे चैनल सेक्शन में तो मिल ही जाएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।